ठीक। पहले मैं आप लोग को एक थोड़े से इस चीज के बारे में एक बता दूं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग थ्रू अली एक्सप्रेस के बारे में। ये वाला जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं या जो मुझे दो और कोर्सेज मिले हुए हमारे क्लासेस, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग एंड किंडल, राइट, ये इन सारे सेशंस का जो फोकस होगा मेनली वो वाला होगा जो सनी भाई ने बेसिकली 300 to 500 वाला बताया है। $300 to $500 तक आप लोग को एम करना है एंड स्कोर करना है एंड ऑल दैट, ठीक। ओके सो गाइस, आई थिंक ज्यादातर लोगों के पास जो है ना वॉइस क्लियर है, तो आई होप आप लोग अपने एंड पे ये माइक के इश्यूज वगैरह को सॉल्व कर लें, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली मेरा नाम मुइज खान है और मेरे पास तकरीबन 7 साल का जो है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, ठीक। उसके अलावा 5 साल, पिछले 5 साल से तकरीबन जो है मैं कोई फ्रीलांसिंग एक्सक्यूज मी और ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड और एफिलिएट मॉडल्स, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग में बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर काम कर चुका हूँ मैं, जिसमें सीपीए मार्केटिंग है, सीपीएम है, सीपी एल है जिसमें लीड जनरेशन वगैरह होती है, ठीक। ओके सो कैन यू गाइस जस्ट कंफर्म मी, जितने लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, कैन यू गाइस जस्ट प्रेस वन, जस्ट प्रेस वन, नथिंग एल्स। ओके अच्छा, सो गाइस जिन लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, इसका मतलब ये आप लोग के इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को बिल्कुल क्लियर है, तो प्लीज आप लोग अपने एंड पे इंटरनेट इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा एक चीज और, मैं जरा डिकोरम सेट कर दूं यहाँ पे। देखो हम लोग ये पूरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन 142, 145 इनफैक्ट अभी भी लोग बढ़ रहे हैं, सही है, मुस्तकिल मिजाजी से लोग बढ़ रहे हैं। आई एम होपिंग टू एंड इट अराउंड तकरीबन 200 से 250 लोग शायद हो जाएंगे इन बिटवीन द सेशन। प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। बीच में से कोई क्वेश्चंस ना करे, अगर किसी को क्वेश्चन है भी थोड़ा सा वेट करे, बिकॉज आई वांट टू रैप दिस अप। प्रिसाइज रखेंगे अपने क्वेश्चंस को भी, प्रिसाइज रखेंगे। मैं एट मैक्स हर किसी से 2 क्वेश्चंस लूंगा, अगर किसी के पास 3 क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है आई विल कम बैक टू देम, हिम और हर, जब एक बार मैं बाकी लोगों से क्वेश्चंस ले चुका हूंगा। और उसके अलावा ऑब्वियसली आप लोग मुझसे उससे हट के भी सवाल जवाब कर सकते हैं, मे बी आफ्टर द सेशन और समहाउ, ठीक। सो दैट्स प्रीटी मच इट। नो आई एम नॉट यूजिंग अ वीपीएन, आई एम नॉट यूजिंग अ वीपीएन। यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है, तो प्लीज आई वॉन्ट गेट बैक टू दैट एनी मोर, आई विल कंटिन्यू विद द सेशन नाउ। लेट मी जस्ट क्लोज माई वीडियो इन केस दैट वुड बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। जी अच्छा, सो मेरे पास तकरीबन 7 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, सही है, और अभी करंटली मैं MCB आरिफ हबीब में काम कर रहा हूँ एज हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और मैं बेसिकली सारे चैनल्स देख रहा होता हूँ इन डिजिटल, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग एक्सक्यूज मी, वेबसाइट, ऐप, पेड मार्केटिंग जिसमें जो है PPC वगैरह आ जाती है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, सब कुछ। और वी गेट टू प्ले अराउंड विद एन अप्रोक्सीमेट बजट ऑफ अराउंड $20,000 to $30,000 पर मंथ जस्ट ऑन पेड एड्स, ठीक। उसके अलावा बेसिकली आज से कोई 5 साल पहले जो है मैं डिजिटल मॉडल्स में कूदा था और मैंने खुद से जो है डिफरेंट मॉडल्स के अंदर आकर जो है मोनेटाइजेशन स्टार्ट करी उन मॉडल्स के ऊपर। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर थ्रू फेसबुक, फेसबुक पे एक पेज बनाया था, उसके थ्रू मैं जो हूँ बेसिकली ट्रैफिक भेजता था कुछ पेजेस को, और तकरीबन 8 to 10 months के अंदर हम लोग ने उसके अंदर कोई तकरीबन $36,000 की रेवेन्यू अच्छा स्कोर किया, हेल्दी रेवेन्यू। उसके बाद फिर हम लोग ड्रॉप शिपिंग में आए और डिफरेंट दूसरे मॉडल्स में भी आए, वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल विद अदर मॉडल्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारा हमारा ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है। उसके अलावा रिसेंटली मैंने बेसिकली IDM, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था। इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज में मैं ऑल इन ऑल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे मॉड्यूल्स पढ़ा रहा था। IDM पाकिस्तान में मैं एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड और फ्रीलांसिंग सिखा रहा था, तो उधर मेरा काफी रुझान था। एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई हैव जॉइंड ईसी
officially, right? And I'll be helping you guys through and through in, you know, basically helping you guys in order to monetize through dropshipping and other models, jo bhi mujhe handover honge. Theek? Okay. So, पहले मैं आप लोग को एक चीज बताता चलूं, ये लिंक है जो मैं आप लोग को दिखा देता हूं, ठीक। ये 2017 में आई स्टार्टेड ऑफ, 2017 के शुरू में आई स्टार्टेड ऑफ ड्रॉप शिपिंग थ्रू अली एक्सप्रेस, राइट। और उससे पहले भी मेरा एक्सपीरियंस रहा था एक कंपनी में काम करते हुए, लेकिन मैंने अपना खुद का स्टोर लॉन्च किया था। ये स्टोर अब एग्जिस्टेंट नहीं है, ये स्टोर मैंने 2017 के शुरू में लॉन्च करा था, और इस स्टोर से लेट अलोन मैंने तो कोई तकरीबन $1,28,000, अगर आप इधर इस बेसिकली स्क्रीनशॉट पे अगर आप गौर करें, $1,28,000 जो है ना मैंने तकरीबन स्कोर करे थे इन ऑलमोस्ट 8 months, जैसे आप देख सकते हैं अप्रैल से स्टार्ट करा था और नवंबर में मैंने एंड कर दिया था। हमारा टोटल जो रेवेन्यू था वो $1,28,000 था, और जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन था वो इसमें तकरीबन 30-40% के बीच में था, ठीक। थोड़ा सा मैं आप लोग को ड्रॉप शिपिंग मॉडल के बारे में बता दूं। सो ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो हम लोग बेसिकली, पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि बेसिकली 2016 में ड्रॉप शिपिंग ने बूम उठाई, बूम करना स्टार्ट करा था। इट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट ओवर द इयर्स, ठीक है। 2016 से लेके आज 2020 तक बहुत चेंजेस आ गए हैं ड्रॉप शिपिंग में, लेकिन ऑल इन ऑल मॉडल वही है, लेकिन लोगों के तरीकेकार डिफरेंट हो गए हैं। तरीकेकार में जो है मैं डिटेल्स में बाद में आऊंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। आई विल बी डाइविंग इन इनटू ऑल द डिटेल्स लेटर ऑन, ठीक है, इन द फ्यूचर अपकमिंग सेशंस। बट ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी है तो इसमें मैं ज्यादातर माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि शॉपिफाई भी मैंने क्यों सेलेक्ट करा है, व्हाई नॉट वूकॉमर्स, व्हाई नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म, और आप लोग के ये पूरे, मतलब इस पूरे मॉड्यूल से आप लोग को जो है ना एक्सपेक्ट करना क्या है, इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग में होता ये है, प्रोडक्ट आपका नहीं होता ऑब्वियसली, यहाँ पे ज्यादातर लोग जानते होंगे, ठीक है। सप्लायर से आप लोग जो है ना बेसिकली सप्लायर का प्रोडक्ट उठा के जो है ना आप डिस्प्ले कर रहे होते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप लोग उसके ऊपर, सप्लायर जितने पे भी बेच रहा होता है अली एक्सप्रेस पे, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाते हो, और फिर टोटल उस प्राइस पे आप जो है ना प्रोडक्ट बेच रहे होते हो अपनी शॉप पर। फिर दिस इज वेयर द कस्टमर जर्नी स्टार्ट्स। कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट पर आता है, वो प्रोडक्ट को देखता है, उसको प्रोडक्ट पसंद आता है, वो ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तो ड्रॉप शिपिंग सर्विस, जब मैं ड्रॉप शिपिंग सर्विस की बात करता हूं तो यहाँ पे कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा, ठीक है। जब मैं ड्रॉप शिपिंग सर्विस की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं ओबेल्लू की, अली ड्रॉपशिप की। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एज अ मिडिल मैन काम कर रहे होते हैं अली एक्सप्रेस और आपके आपके स्टोर के बीच में, ठीक है। ये बेसिकली आपके स्टोर को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग सर्विस जो है उस, फिर वो आप उससे फुलफिलमेंट करवाने के लिए सारी चीजें ऑटोमेट हुई भी होती है, वो आप करते हो। वो सर्विस जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूरा वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, वो सप्लायर्स पे जाके जो है ऑर्डर प्लेस करती है एंड देन फुलफिलमेंट स्टार्ट हो जाती है उनकी। अगर आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हो तो शायद आप लोग को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं, कि ऑर्डर जो पहुंचता है कस्टमर तक वो 15 से लेकर 25 at times 30 working days तक, क्योंकि कोरोना वायरस आया हुआ है तो ये शिपिंग टाइम्स थोड़े और ज्यादा डिलेड चल रहे हैं, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऑन एन अप्रोक्सीमेट तकरीबन 15 से लेकर 25 working days लग जाते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग डेज ऑब्वियसली। चलिए, या एक मिनट रुकिएगा जी। तो ड्रॉप शिपिंग के पहले मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोज ऑब्वियसली ये है कि लो रिस्क बिजनेस है, यू ओनली पे फॉर द गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर्स। तो पहले मैं आप लोग को एक बात समझा दूं, आप लोग शायद कुछ लोगों के दिमाग में जिनको ड्रॉप शिपिंग से बिल्कुल भी
वास्ता नहीं है, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, उनको शायद ये लग रहा होगा कि हम लोग शायद माल अपने पास रखेंगे, आपको किसी वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्टोरेज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो स्टफ है जो अली एक्सप्रेस का है वो अपनी स्टोर पे दिखा रहे होगे, दैट इज इट। ठीक है, जब ऑर्डर प्लेस होगा तो उस ऑर्डर के प्लेस हो जाने के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है अली एक्सप्रेस पे। ऑर्डर कैसे प्लेस करना है उसकी अभी साइंस में मैं नहीं जा रहा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग सर्विस हम यूज कर रहे होते हैं जिसका नाम ओबेल्डू है, और वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे एक क्लिक पर वो पूरा ऑर्डर प्लेस कर देता है अली एक्सप्रेस पे। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू बाय बल्क इन्वेंट्री टू गेट होलसेल प्राइसेस, एज ड्रॉप शिपिंग प्राइसेस आर ऑलरेडी प्रीटी लो। व्हाई? बिकॉज आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हो, सारे चाइना प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, लो कॉस्ट सिंस मोस्ट गुड्स कम फ्रॉम चाइना, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स आर जनरली रादर लो, सिंस प्रोडक्ट कॉस्ट आर लो यू कैन प्राइस योर प्रोडक्ट्स एट मार्केट वैल्यू। और ऐसा बहुत होता है कि आप कोई प्रोडक्ट देखते हो अली एक्सप्रेस पे, वही प्रोडक्ट आप अमेजोन पे देखते हो, यूजली अमेजोन पे वो प्रोडक्ट स्लाइटली ज्यादा महंगा मिल रहा होता है, अली एक्सप्रेस पे क्योंकि चाइना है एंड वहां पे आपको काफी कम प्राइसेस मिल रही होती हैं, तो उन प्राइसेस के ऊपर आप अच्छा अपना हेल्दी मार्जिन रखते हो, और मार्जिन रख कर जब आप बेचते हो तो वो ऑब्वियसली इट इज हाईली लाइकली आपका कुछ ना कोई पैसा बच जाता है बैक एंड पे। अभी इसकी मैं और डिटेल्स में आऊंगा, एग्जैक्टली ये बात की कहानी है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन अभी मैं फिलहाल बेसिक्स के ऊपर लेके चल रहा हूँ। ऑटोमेटेड बिजनेस है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्सक्यूज मी, एक या दो क्लिक्स के ऊपर जो भी ऑर्डर आपके स्टोर पे आएगा सिर्फ एक या दो क्लिक्स के ऊपर वो पूरा ऑर्डर प्रोसेस हो रहा होगा और अली एक्सप्रेस के ऊपर, और वहां से सप्लायर जो है ना वो शिप कर देगा कस्टमर की तरफ। आपका यहाँ पे मिनिमलिस्टिक वो है कि आप बकायदा, लेट्स सपोज आपके पास 200 ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो आप 200 के 200 ऑर्डर्स की डिटेल्स उठा रहे हो, हर कस्टमर का नाम, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, उसकी डिटेल्स, और फिर जाके आप प्रोडक्ट्स के ऊपर प्लेस कर रहे हो, सही है, ऑर्डर्स। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्रोबेबली एक कस्टमर का भी आप अगर आप एक ऑर्डर फुलफिल कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो, तो उसमें भी तकरीबन 5 से 10 मिनट, 5 मिनट 6 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि सारा ऑटोमेटेड होता है तो वे विद इन सेकंड्स, मतलब मे बी 30 सेकंड्स to 45 सेकंड्स के अंदर एक कस्टमर का पूरा ऑर्डर फुलफिल हो रहा होता है। सही है, पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ अराउंड, यस इट हैज, बट देन अगेन मैं अभी आगे जाके ये बात भी डिस्कस कर रहा हूँ कि फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मत बिल्ड करें ड्रॉप शिपिंग के अराउंड। पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ अराउंड का मतलब ये नहीं है कि आपके चांसेस 90% है That आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसमें काफी ज्यादा टेक्निकलिटीज आ चुकी हैं, काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका ये है। ठीक है, तो इस वजह से जरा आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आप लोगों को लेटर ऑन बता रहा हूँ जिसका आप लोगों को खास ख्याल रखना है। ठीक है, इजी टू स्टार्ट, आप लोग को जैन जो है बेसिकली आईडी बनाने के सेशन दे चुके हैं, अगर जिसने नहीं देखा है वो ले सकता है जाके। ठीक है, जिसमें आप पेपैल और स्ट्राइप का अकाउंट आपने बना लिया या आपने सीख लिया, अगर नहीं सीखा तो वो जैन करवा देंगे, और अगर एंड आई एम श्योर प्रीटी मच श्योर के जैन ये करवा चुका है। ठीक है, तो वो जाके आप लोग सेशन फिर से देख सकते हो। एक्सक्यूज मी, ठीक, और उसके अलावा शॉपिफाई पे खुद साइन अप करना इज नॉट अ हैसल एट ऑल। ठीक है जी, तो आज आप लोग बेसिकली जो ना जैन से ये बात बोल सकते हो अगर आज का सेशन है कि स्ट्राइप का अकाउंट कैसे बनाते हैं और पेपैल का अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज आर द टू important prerequisites that you guys would be requiring in order to basically aage jaane ke liye. Jahan tak rahegi two checkout ki, to two checkout ka main aap log ko next session mein ek slide share kar dunga ki two checkout, agar aap log basically let's suppose, ek example de raha hu, aap log bolte ho ki nahi yaar mujhe paypal ke chakkar mein nahi padna, mujhe stripe ke chakkar mein nahi padna, to two checkout ka account kaise banate hain aur usko approve kaise karate hain, maine kafi students ka apne past students जितने भी मेरे पहले के स्टूडेंट्स रहे हैं मैंने उन लोग का टू चेकआउट का अकाउंट अप्रूव करवाया, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू स्टार्ट सेलिंग द सेम डे यू साइन अप, प्रोडक्ट्स कैन बी इंपोर्टेड क्विकली, इतना क्विकली कि यू जस्ट हैव टू वन क्लिक और वो प्रोडक्ट आपके स्टोर पर होगा। ठीक है, फिर आपको थोड़ी सी सेट पब्लिश नहीं होगा, थोड़ी आपको उसकी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी, सेटिंग्स वगैरह मतलब एसईओ ऑप्टिमाइज आपने नाम रख लिया, एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन रख ली, डिटेल्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपने बता दी, ये सारी चीजें आपने डाल दी, प्रोडक्ट के टैग्स डाल दिए, एंड देन वंस द प्रोडक्ट इज रेडी टू पुश आपको सिर्फ एक क्लिक
अपने स्टोर पे करना होगा एंड दैट प्रोडक्ट विल बी रेडी टू सेल देयर एंड देन. ठीक है, ये ओवरऑल प्रोसेस काफी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आज के सेशन में मैं ज्यादातर आप लोग की माइंडसेट डेवलपमेंट करूंगा, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में जो फेलियर रेट है वो 95-98% है. और जैसे मैंने बताया कि मेरा स्कोप यहाँ पे ये है कि मैं आप लोग को एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अराउंड $300-$500 फॉर द फर्स्ट मंथ या जब भी आप स्टार्ट करेंगे इस चीज के ऊपर फोकस लेके चलूं और मैं आपकी इसमें हेल्प करूं. मैं अभी कोई हाँ इंशाल्लाह ताला आप सब रिकॉर्डेड, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप सब उस लेवल पे आओगे जब आप लोग $2,000-$5,000 की आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी मारोगे अपने स्टोर की तरफ. लेकिन पहले आप लोग जो है पहले छोटा गोल रखो, छोटे गोल्स रखो, छोटे ऑब्जेक्टिव्स रखो एंड देन मेक श्योर कि आप अपने अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव को उसके थ्रू जो है ना पूरा कर रहे हो. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा. इंशाल्लाह ओके. सो मैं आप लोग को एक आई जस्ट गिव यू अ जस्ट अबाउट के किस तरह की कॉस्ट इनकर हो रही होगी आप लोग के पास. तो शॉपिफाई कॉस्ट होगी ऑब्वियसली वो दैट इज अराउंड लाइक $35-$45, नॉट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं जबकि मैं खुद अपना शॉपिफाई स्टोर चला रहा हूँ. सो यू शुड बी अराउंड ऑन एन अप्रोक्सीमेट $40, रियली डजंट मैटर इफ इट्स 35 or 45. मैं आप लोग को एक आइडिया देना चाह रहा था. प्रोडक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे जब आपकी कोई भी $29, थैंक यू. सो आपका आज कोई भी अगर ऑर्डर प्लेस हुआ आपके स्टोर पे, ठीक है, तो लेट्स सपोज आप एक रिंग बेच रहे हो जो कि $2.50 की है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट आपने प्राइस करा $10 पे, तो अगर वो ऑर्डर आया है आपके पास तो अब आप यू जस्ट हैव टू पिक्चर इट इन योर हेड. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि किस किस तरह की प्राइसेस इन्वॉल्व होंगी. अच्छा, अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ आप लोग को, मैं ये पहले बता दूं, बहुत सारे लोग जब शॉपिफाई पे बेचना स्टार्ट करते हैं तो उनको अपनी जो कॉस्ट और ये सारी प्राइस मैनेजमेंट होती है इसमें ये लोग फेल कर जाते हैं, ड्यू टू विच वो ड्रॉप शिपिंग में एज अ होल फेल कर जाते हैं. वो ये सोच रहे होते हैं जब प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं फ्रंट एंड पे कि ओहो मैं तो बहुत प्रॉफिटेबल हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिंग सेल पे लगाई, वो रिंग जो है आपने $2.50 की है कॉस्ट जो आपको पड़ रही है, बेसिकली ये वो कॉस्ट है जो सप्लायर ने प्राइसिंग लगाई हुई है अली एक्सप्रेस के ऊपर, ठीक, और आप उसको बेच रहे हैं $10 का, ठीक है, मतलब $7.50 की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है. अगर वो एक रिंग बिकती है तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं तो प्रॉफिटेबल हूं, मैं बस इसी को स्केल करता रहता हूं. एंड यूजली यहां पे लोग एट टाइम्स फेल भी कर जाते हैं, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं. देखिए शॉपिफाई की एक कॉस्ट है, सही है, ये आपको दिमाग में रखनी है. फिर प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो $2.50 की है, वो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में होनी चाहिए एट द बैक ऑफ योर हेड. एड कॉस्ट है, तो ऐसी बात है अगर आपका जो पहला ऑर्डर जो आपके पास आया है अगर वो $10 के फेसबुक एड स्पेंड के बाद आया है तो उसमें तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही, इनफैक्ट आपकी जेब से उल्टा $2.50 लगे हैं. क्यों? क्योंकि $10 के एड स्पेंड के बाद आपके पास एक ऑर्डर आया है उस प्रोडक्ट का जिसमें आपके पास $7.50 की प्रॉफिट मार्जिन था, $2.50 तो आपको देना ही देना है कुछ भी करके, ठीक है, सप्लायर को, तो ये दिमाग में रखना है. फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होती हैं यहाँ पे, अली एक्सप्रेस रिव्यूज होता है, स्कार्सिटी होती है, फियर फैक्टर वाली कुछ एप्स होती हैं, पॉपअप एप्स होती हैं, सोशल प्रूफ वाली एप्स होती हैं, अपसेल एप्स होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं. इसमें कुछ मैं आप लोग को आइडियाज शेयर कर रहूंगा कि किस तरह आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो इन सारी कॉस्टों को. ये मैं बाद में इस पर मैं बाद में आऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी थीम्स होती हैं जिसमें पहले से ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं. फिर आ जाए ओबेल्लू कॉस्ट. तो ओबेल्लू इनिशियली वैसे फ्री वर्जन है एंड इज आल्सो फ्री वर्जन इज अवेलेबल. ओबेल्लू ये बोलता है कि 50 ऑर्डर्स आप पहले स्कोर कर दो, 50 ऑर्डर्स के बाद मैं आपसे जो ना कुछ फी लेना स्टार्ट करूंगा. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एरिया बिकॉज यहाँ पे $50 वाली बात आ गई. PayPal फी इसमें होती है जो अगर कोई US से कर रहे हैं तो तकरीबन 2.9% है. दिस कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सही है, टोटल अमाउंट जो रिसीव्ड उसके ऊपर 2.9%, ठीक है. और शिपिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इफ एनी. बहुत सारी ई पैकेट होते हैं जो फ्री होती है, फ्री डिलीवरी, और कुछ ई पैकेट होती है जिसमें $1-$1.5-$1.2 इतने के अराउंड आपसे वो प्राइसिंग ले रहे होते हैं आपसे, बेसिकली वो आपको कॉस्ट पड़ रही होती है, ठीक है. तो इन चीजों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है. जब मैं आप लोग को पूरा कोर्स करवा दूंगा आपको वापस से स्लाइड के ऊपर आना है और फिर से आपको झलक देख के जो है स्लाइड के ऊपर सोचना है कि यार
मुझे ख्याल रखना है कि जो भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसके बिकने के बाद, 4, 5, 10 बिकने के बाद या 1-2 के बिकने के बाद भी मैं एनालाइज कर लूं कि मैं खड़ा हुआ कहाँ हूं अभी, ठीक है। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी क्रोम एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड कर लें, ये आज से आगे तक आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है स्लाइड शेयर करने में, मैं ईसी से कर दूंगा, फिर ईसी आप लोग से कर दे, बट प्लीज मेक श्योर ये सारी क्रोम एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड कर ले याद से। अगर आप लोग ये क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करते या इंस्टॉल नहीं करते तो आप लोग को इश्यूज होंगे। इट इज हाईली लाइकली जब मैं आगे प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ आ रहा, जो शॉपिफाई के लिए डिफरेंट है फ्रॉम, ऑब्वियसली दैट्स डिफरेंट फ्रॉम एमेजॉन, तो यहां पर आने के बाद आपको मैं उस वक्त बोल रहा हूँ कि ये चीज खोल लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो उस वक्त जब आपके पास नहीं होंगी तो आपको इश्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको आप लोग के यहाँ पे चैट पे आई होप मैं इसको डाल सकता हूँ ताकि सब लोग इसको एक बार में कॉपी कर लें। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, जरा एक सेकंड रुकिएगा। ओके थैंक यू, सैम ने कर दिया, ठीक है। तो आप लोग जो है ये जी, तो प्लीज ये सैम ने जो ये सारी एक्सटेंशंस करी हैं आप लोग के पास, ये अपने पास लिख लें। मैं इसके इन इन एक्सटेंशंस के ऊपर डिटेल में जा रहा हूँ बाद में, बट ये सेशन स्टार्ट हुआ है। अब ये थोड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं सेशन स्टार्ट करने के बाद हर एक एक्सटेंशन में एक एक करके आपसे डाउनलोड कराऊँ। एक साथ सारी एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड कर लें, प्रॉबेबली इनमें से कुछ होंगी जैसे आप लोग के पास फेसबुक पिक्सल हेल्पर वगैरह वगैरह, शायद इनमें से कुछ हों आप लोग के पास, खैर ठीक है। तो अब आ जाए माइंडसेट ट्रेनिंग के ऊपर। देखिए मैं एक बात आप लोग को समझाना चाहता हूं, अगर आप लोग की माइंडसेट ट्रेनिंग नहीं होगी, आप लोग ये मत समझिएगा कि दिस इज समथिंग कि ये एरिया मैं स्किप कर सकता हूं या मैं नेक्स्ट सेशन ले लूंगा, आप लोग की मर्जी। अगर आप लोग लेना चाहते हो नेक्स्ट सेशन और स्किप करना चाहते हो, लेकिन मैं आप लोग को एक फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर आप लोग ये सेशन स्किप करते हो माइंडसेट का, तो प्रोबेबली थ्रू एंड थ्रू आपको हर जगह मसले आएंगे। और अगर आप स्किप नहीं करते, इट इज हाईली लाइकली कि एटलीस्ट आप के दिमाग में मेरे पॉइंटर्स रहेंगे। ये सेशन लंबा होगा इसके ऊपर, लेकिन प्रोबेबली मैं समझता हूँ इट इज वर्थ द इन्वेस्टमेंट के आप यहाँ पे बैठ के आराम से पहले वो करो। मैं अभी किसी जिसने भी रेज हैंड करा, मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा, क्वेश्चन में लूंगा सेशन के एंड में, ठीक है। ओके एक मिनट रुकिएगा जरा। सो पहले मैं ये टॉपिक माइंडसेट के ऊपर, पहला जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाई इज ड्रॉप शिपिंग सैचुरेटेड एंड इफ नॉट व्हाई डू पीपल फेल। तो शायद आप लोग में के दोस्तों में से कोई कर रहा हो ड्रॉप शिपिंग, शायद कोई करके छोड़ चुका हो, और शायद आप लोग में से कुछ लोगों ने करा हो और वो फेल कर गए हो। नो ड्रॉप शिपिंग सैचुरेटेड आप कह नहीं सकते ये एग्जैक्टली हाँ, कुछ निशेस सैचुरेटेड हो सकती है, सही है, लेकिन सैचुरेशन कहां ही है मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेटजी सैचुरेशन जो आई है वो स्ट्रेटजी में आई है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। 2016 में जो ड्रॉप शिपिंग जिस तरह लोग कर रहे थे, 2016 में जिस तरह लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, वो 2020 में उस तरह अब ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहले तो आप लोग अपने दिमाग में ये बात डाल दें कि ड्रॉप शिपिंग जिस तरह 2016-17-18 में हो रही थी वो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है, ठीक। तो पहली चीज के ड्रॉप शिपिंग लास्ट 5 साल में उसका ट्रेंड क्या रहा है, ये आप मैं बता चुका हूं पहले भी थोड़ा सा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन मैं इसको कंसीडर करूंगा। 2016 से ये उठा है और आज भी आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड ऊपर ही, अगर आप इसका मूविंग एवरेज निकाले तो मूविंग एवरेज के लिहाज से इसका ट्रेंड अभी भी ऊपर ही जा रहा है, सही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है ना अब चल नहीं रहा या लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, ऑन डे बेसिस जो है लोग इसके ऊपर प्रॉफिटेबल है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल
जिन्होंने पिछले 6 महीने में भी तकरीबन सिर्फ दो महीने 3 महीने काम करके भी जो है ना 50-50 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट मार्जिन स्कोर करा है सिर्फ 2 महीने के अंदर। और मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ ऑब्वियसली जिन्होंने थोड़ा बहुत करा, और ऐसे लोग भी जानता हूँ जो 14,000 नहीं सॉरी 1,500 डॉलर या 500-500 डॉलर के साथ जो है ना के लॉस में वो क्विट कर गए। सही है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी उनकी फेल थी और प्लस पेशेंस लेवल नहीं था, एक ये रीजन था। और प्लस उनके दिमाग में क्या रीजन होते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि कि लोग जो हैं उनके दिमाग में ये होता है कि या वो जाके यूट्यूब की कोई वीडियो देखते हैं या वो अपने किसी दोस्त की बात सुनते हैं कि यार मैंने तो, जैसे मैंने आपको बताया कि 2017 में मैंने 1,28,000 डॉलर का मैंने रेवेन्यू स्कोर करा। देखें आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप यूट्यूबर्स को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो आपको बोलते हैं कि देखो मैंने लेम्बर्गिनी ले ली, मैंने इतने पैसे बना लिए, मैंने जो है ना अपना घर ले लिया, मैं जो ना ये कर रहा हूँ। सही है, तो द थिंग इज कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने करा नहीं होता, उन्होंने करा होता है एक्चुअली में भी, शायद करा हो 70%, चले मान लेते हैं 70-80% ने वाकई कर लिया होगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपको उनकी हैसिल नहीं पता होती पीछे, जिस जिस मुश्किल जिन मुश्किलों से वो गुजरे हैं ना जस्ट टू अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, कितना सीखने में उन्होंने पैसा खर्च करा है वो आपको पता नहीं होता। ठीक है, तो मैं काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो भी करता हूं, तो मैं आप लोग को एक चीज ऐसी बताना चाहता हूँ। देखें देयर इज पेन इन्वॉल्व्ड, पेन पेन इन्वॉल्व्ड इन एवरी काइंड ऑफ वर्क, इन एवरी काइंड ऑफ वर्क इन दिस वर्ल्ड। इट इज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी तकलीफ से गुजरे बगैर कोई काम बहुत आसानी से सीख लो। अगर आप सीख रहे हो तो इसका मतलब आप उतनी चीजें से नीचे भी आओगे। ठीक है, अभी इसकी डिटेल में मैं और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा आगे जाके, बट मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि आप स्टॉप, पीपल आर सेलिंग ड्रीम्स, सही है, बाय दोज ड्रीम्स, बट आप ये समझ लो कि इसमें एक लर्निंग कर्व इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो 95-99% पे फेल वंस दे हैव गॉन थ्रू दोज इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, जो वो सारी नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू बी इन दैट 95-99%, अपने दिमाग में इस बात को रखो। ठीक है, एंड फॉर दैट यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर, यू हैव टू बी मोर पेशेंट के एग्जैक्टली जो वो एक्स्ट्रा, आप लोग को शायद वो पता होगी 80-20 रूल के 20% ऑफ द पीपल ब्रिंग 80% ऑफ द बिजनेस, या ये 80-20 रूल बेसिकली हर चीज में अप्लाई होता है। ये 80-20 रूल जो है ना ये हर चीज में अप्लाई होता है, तो यू हैव टू नो दैट एक्स्ट्रा 20% नॉलेज जो 20% सक्सेसफुल है दुनिया में ड्रॉप शिपिंग में। सही है, या 5% या 10%, यू हैव टू ग्रैब दैट स्पेसिफिक नॉलेज इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। पहले आप लोग को यह बात समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, ग्रीड नंबर वन जो मैंने आप लोग को बताया, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, वो आते हैं कि वो ये सोचते हैं कि उनके कजन ने जो है ना 5,000 डॉलर 50,000 डॉलर बना लिए, 1,00,000 डॉलर बना लिए, 500 डॉलर बना लिए, ओहो ये बहुत आसान तरीका है कमाने का, माई कजन साउंड सो ईजी, और बेसिकली साउंड सो कि ये तो बहुत इजी मॉडल है अर्न करने के लिए। ही इज साउंडिंग इट इजी। अगर मैं भी आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको अपने बारे में बताया, आई साउंड इट सो इजी व्हेन आई वाज टेलिंग यू दिस कि मैंने 2017 में जो है 1,28,000 डॉलर का रेवेन्यू स्कोर करा इन 8 मंथ्स टाइम। दैट्स सो इजी टू टेल, बट आपको इसकी, आप, मैं अपनी बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जनरली सबके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको क्या पता है कि मैंने कितना टाइम लगाया है प्रोडक्ट रिसर्च में, आपको क्या पता है कि मैंने कितना पैसा खर्च करा है टू कम अक्रॉस दैट वन विनिंग प्रोडक्ट दैट हेल्प मी जनरेट दिस मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। आपको ये नहीं पता कि मैंने फेसबुक एड्स कितने लगाए, कि पैसा कितना लगाया फेसबुक एड्स के ऊपर। आपको ये नहीं पता कि मैंने दूसरे इन्फ्लुएंसर से कितनी बात करी, मैंने कंसल्टेंसी कितनी ली, मैंने दूसरे लोगों को शेडो कितना ज्यादा करा, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता। ठीक है, फिर लैक ऑफ रिसर्च और लैक ऑफ एफर्ट। लैक ऑफ रिसर्च होगी तो यू गाइज वॉन्ट गेट एनीवेयर। ठीक है, लैक ऑफ एफर्ट भी इसी में आती है कि अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक घंटा या आधे घंटा जो है प्रोडक्ट रिसर्च करके और बस उस प्रोडक्ट को फॉरन से एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देते हो उतावले होके, तो प्लीज आप इस वाले माइंडसेट से बाहर आ जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता।
बिन देयर डन दैट, आई हैव डन ऑल दोस थिंग्स, ऑब्वियसली मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ, आई हैव लर्न द हार्ड वे, आई वुडंट रिकमेंड यू द सेम वे, ठीक है, नॉट बेंच मार्किंग द बेस्ट. एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बेंच मार्किंग, आई हैव डन बेसिकली मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम ज़ेबिस्ट. मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बात समझाना चाहता हूँ रिगार्डिंग बेंच मार्किंग द बेस्ट से रिलेटेड. देखिए एक बात याद रखिएगा, किसी ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है एंड मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई शायद मुझसे डिसअग्री करे, बट मेरा 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी डिजिटल मॉडल्स बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक में सिर्फ ब्रेक इवन पे गया हूँ, मैं बाकी सब में प्रॉफिटेबल गया हूँ, ठीक है, सब में प्रॉफिटेबल गया हूँ. मैं आप लोग को सिर्फ एक चीज दिखा देता हूँ, मैं बेसिकली सिर्फ ये काम नहीं कर रहा, मैं फाइवर पे भी काम कर रहा हूँ. आप देख सकते हैं ये मेरी पिछले कोई तकरीबन 6 मंथ्स, मतलब मैंने काम तो बहुत अरसे करा है मैंने, लेकिन ये मेरी एक्टिव अर्निंग जो है ये 4 से 6 महीने की है, ठीक है. उसके अलावा मैंने एफिलिएट पे भी करा और बहुत सारी दूसरी जगहों पे भी किया है. मतलब मैंने दिखाने का मकसद ये है कि मैंने एक चीज जो एक रूल जो इन सारे डिजिटल मॉडल से जो सीखी है ना वो बहुत एक कॉमन है, दिस अ वेरी एक वन कॉमन फैक्टर इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इफ यू वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट स्टार्ट बेंच मार्किंग द बेस्ट. सही है, अच्छा लगता है खुद से रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके सीखना, एंड माशाल्लाह आप सबके पास मुझे पता है कि अच्छे खासे पैसे होंगे, बट ट्रस्ट मी आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस फैक्टर कि अगर आप कोई आपको पता है कि कोई सक्सेसफुल है, कोई काम बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट कॉपिंग दैट 1%. सबसे पहला सीन ये है कि सबसे पहले उसको बेंचमार्क करो, उसकी स्ट्रेटजीज को कॉपी करो, जो वो कर रहा है उसको कॉपी करो, और फिर देखो कि अगर वो $10,000 या प्लस सपोज $1,000 प्रॉफिटेबल है तो आप ऑटोमेटिकली हाईली लाइकली मैं बोलो चांसेस के ऊपर सारा गेम होता है, अच्छा चांस होगा कि आप पहले ही प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गए $200 $250 के साथ. फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को क्रैक डाउन करना स्टार्ट करोगे, स्ट्रेटजीज को क्रैक करना स्टार्ट करोगे, थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू एंड यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि यहां से आपको जाना किस तरफ है, ठीक है. रॉन्ग निश सिलेक्शन इज अनदर वेरी बिग रीजन एंड नो प्रोडक्ट वैलिडेशन. अच्छा तो प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या होती है, माशाल्लाह आप लोग को इसी की वजह से और आगे पता चली जाएगा, लेकिन मैं पहले आप लोग को रॉन्ग निश सिलेक्शन के ऊपर बता देता हूँ. रॉन्ग निश सिलेक्शन में सिंपल ये हो गया कि आप इतनी ज्यादा जेनेरिक या आप इतना ज्यादा ओपन चले जाते हो इन एनी निश कि वहां पे सेल्स आप स्कोर नहीं कर पाते, या पहली उस निश में बहुत ज्यादा लोग जाके सेल कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जहां पे भी सेल कर रहे हो वहां पे इतना रूम हो उस निश में कि आप आराम से कर पाओ. अब आप मैं एक बात कहता हूँ, आप लेट्स सपोज मैं एक मेरे दोस्त आई नो अ फ्रेंड बेसिकली जिसने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी थी एंड कोई वाओ प्रोडक्ट नहीं था, कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं था, उसको पता नहीं उसने कहां से ये दोनों बेसिकली बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता हूँ. सॉरी एक्सक्यूज मी, मेरा थोड़ा सा थ्रोट का इशू है. एक्सक्यूज मी सर, मैं आई एम जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, जस्ट गिव मी अ मिनट. जी सॉरी. अच्छा ओके, सो तो दीज बोथ पॉइंटर्स गो हैंड इन हैंड, रॉन्ग निश सिलेक्शन एंड नो प्रोडक्ट वैलिडेशन, ठीक है. अब होता क्या है, रॉन्ग निश सिलेक्शन में मेरा, मैंने आपको अपने फ्रेंड की एग्जांपल अभी दे रहा था, वो बेसिकली आइस क्यूब ट्रेस बेचने चला गया, ठीक है, और उसके साथ उसने एक और एड लगाया, कोई सिलिकॉन टाइप टॉय था, स्टूपिड सा एग शेप में, वो सेल करना कर रहा था. बोला था यार मुझे पता है ये लोग बहुत खरीदते हैं. अब देखिए आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, सही है आपने किचन एक्सेसरीज की निश में चले गए, ओके वेल एंड गुड, आपने बोला ये मेरी निश है. आप ये क्या समझते हो कि अगर एक प्रोडक्ट है विच इज मतलब जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, कि ये तो बिकता ही बिकता है, आपको लगता है कि अगर मैं इसको अपनी शॉप पे लगाऊंगा तो ये बिकेगा, कभी भी नहीं बिकेगा, आप कुछ भी कर लो नहीं बिकेगा. देखिए ड्रॉप शिपिंग में जो वाहिद प्रोडक्ट्स चलते हैं ना इन डिमांड और जो वाहिद बिकते हैं,
ये वो है विच आर नॉट इजिली अवेलेबल आउट इन द मार्केट. इफ द प्रोडक्ट इज इजिली अवेलेबल आउट इन द मार्केट, वाई द पर्सन विल बाय इट फ्रॉम यू? देयर इज नो गुड रीजन द पर्सन इज गोइंग टू बाय फ्रॉम यू. ठीक है, तो ये आप लोग को दिमाग में बांध लेना है कि प्रोडक्ट में अगर कोई वाओ फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि आप जिसको देख के बोलो अरे यार ये चीज तो मैंने देखी नहीं, या वो ये बोले अरे यार ये चीज मैं देख रहा हूं इसको तो मैं बाहर जाके खरीद लेता हूं, या मैं टेक, अब मैं ले सपोज आप बोलते हो यार चलो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचता हूँ जो बहुत हाई फाई टेक रिलेटेड हो. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कहता हूँ, मुझे मेरा पैशन है गेमिंग में, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, कंप्यूटर गेमिंग वगैरह. अब मैं अच्छे मैं माइक वगैरह और कंप्यूटर एक्सेसरीज मैं अच्छी लेता हूँ. अब ये मैं मेरा माइक है ब्लू येटी, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नो डाउट, बट मैंने इसका रिव्यू पढ़ा ऑनलाइन. अब मुझे कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर अगर ये पिच करेगा तो मैं क्यों खरीदूंगा उससे? मैं मानता हूँ ये सुपरमार्ट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ टेक्नो सिटी जाना पड़ा इन कराची, टेक्नो सिटी चला गया, वहां पे मैंने पूछा, वहां पे मुझे मिल गया, मैंने खरीद लिया. ठीक है, रिटर्न्स का डिपेंड्स, इट रियली अब्दुल रहमान को जवाब दे रहा हूँ मैं, बेसिकली इट रियली डिपेंड्स. रिटर्न्स जो है वो डिपेंड करता है सप्लायर के ऊपर और वो प्रोडक्ट कैसा बेच रहा है और आपकी क्वालिटी के ऊपर. खैर बहरहाल आगे बढ़ता हूँ मैं. ओके अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, गिव अप. सो ये वो वाला पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आप लोग को ग्रूम कर रहा हूँ ताकि आप लोग रेडी हो जाओ. नो प्रोडक्ट, नो विनिंग प्रोडक्ट माइंडसेट. अगर आपका विनिंग प्रोडक्ट माइंडसेट नहीं है और आपका इजी गिविंग अप वाला एटीट्यूड है तो इवेंचुअली आप, सॉरी टू से, आप हार जाओगे. ठीक है, आप गिव अप कर दोगे, आप छोड़ दोगे, आप यही सोचोगे कि यार मे बी दिस इज नॉट द थिंग दैट इज दिस, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस. सही है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप लोग ने बाकी में सोचा हुआ है कि नहीं यार मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो यू वुड नीड इमेंस अमाउंट ऑफ फोकस इन ड्रॉप शिपिंग फॉर एटलीस्ट अनटिल एंड अनलेस कि आप अपनी वो थ्रेश होल्ड लर्निंग कर्व का क्रॉस कर चुके हो, तोड़ चुके हो. वंस यू आर देयर और आपके पास सफिशियंट नॉलेज है, आपको पता है कि एग्जैक्टली ये मार्केट कैसे चल रही है, वेल एंड गुड. फिर आप अपना थोड़ा सा मतलब फोकस, आप ये नहीं कर सकते कि आप हटा दो, लेकिन फिर आप उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट रख लो, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप दूसरों को सिखा दो, अपने आप अपने काम के वो आपके लिए काम करें एंड ऑल दैट. बट इनिशियली आपको खुद एफर्ट काफी चाहिए होगी टू दैट एक्स्ट्रा हिडन नॉलेज इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन दिस कैटेगरी. सो डोंट फॉल इन टू मनी मेकिंग ट्रैप, फोकस ऑन एप्लीकेशन ऑफ वॉट यू लर्न. मनी मेकिंग ट्रैप के बारे में बता चुका, मैं मना नहीं कर रहा कि आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो नहीं करो, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके अपने दिमाग में फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत बांध लो फॉरन से. ठीक है, और एप्लीकेशन जो मैं सिखाऊं या आपको कहीं और से सीखने को मिले उसकी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करो और डिलीवरेबल्स को एक्चुअली सामने लाओ, डिलीवर करना स्टार्ट करो चीजों को. ठीक है, लर्निंग कर्व इज स्टीप एंड इट रिक्वायर्स नॉलेज अलोंग विद प्रैक्टिस. रिमेंबर प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज इज डेंजरस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है, एंड डिस्करेजमेंट इज इक्वल टू फेलिंग. तो इफ यू रियली वॉन्ट टू बीट दिस, please with proper mindset learn to battle your fears and discouragement. Now, learning curve and mindset in e-commerce and business. ठीक है, तो पहली चीज, don't fall into the pitfall of money making trap. ये मैं पहले बता चुका हूँ. ठीक है, this is the dip. मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ आप लोग से थोड़ा. ठीक है, so this is a learning curve for almost any business out in the market. मेरे लिए जो आज तक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कोई बिजनेस मॉडल रहा है समझना, आई एम श्योर देयर लॉट मोर डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग मैं बहुत किंग हूं इन ऑल, बट जो भी मैंने सीखा है, प्रिंट ऑन डिमांड, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग एंड फॉरेक्स, तो मैंने फॉरेक्स सीखने की कोशिश करी थी. मेरे लिए पर्सनली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा है वो टॉप पे फॉरेक्स रहा है अभी तक. उससे नीचे फिर बाकी मॉडल्स आते हैं जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग एंड ड्रॉप शिपिंग है और फ्रीलांसिंग फिर उसके बाद, और फिर सबसे आसान जो रहा है वो प्रिंट ऑन डिमांड रहा है. ठीक है, या एग्जैक्टली, विच इज ऑल्सो द रीजन वाई फॉरेक्स इज वॉलेटाइल एंड ऑब्वियसली इट इज वेरी हार्ड टू लर्न. तो एक्सपीरियंस बहुत चाहिए. अगर आप किसी भी आप जनरली देखो जो फॉरेक्स में बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके बाल सफेद हो चुके होते हैं. उसका रीजन ये है कि उसका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा है और सीखने में बहुत टाइम लगता है. सो when you first start your journey down the path, there's a lot of reward. I am talking about this area. Agar aap log mera mouse dekh sakte ho, dekhe ek baat samajhne ki koshish kare,
ये आप एरिया देख रहे हो, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो दुनिया में, आपका पहले जो कर्व होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, सक्सेस की तरफ, एंड आपको बहुत मजा आता है सीखने में, और आप बोलते हो कि चलो यार मैं कुछ सेल करने की कोशिश करता हूँ, और हल्की फुल्की भी आपकी सेल्स आना शुरू हो जाती है, आप हल्का सा कुछ स्कोर कर देते हो, तो यू फील लाइक दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड प्रोबेबली एक मैंने आगे एक बुक सजेस्ट करी हुई है, द डिप बाय सेथ गोर्डन. सही है, दिस इज द एरिया, सेथ ये बोलता है कि दिस इज द एरिया वेयर यू शुड, इफ यू वॉन्ट टू क्विट, अगर आपको वो बिजनेस मॉडल क्विट ही करना है तो क्विट ओवर हेयर एट वेन यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. डोंट क्विट वंस यू आर डाउन दिस रोड. अब मैं रीजन बताता हूं क्यों. कोई भी आप बिजनेस मॉडल सीखने चाहते हो ना, तो शुरू में आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, बहुत ज्यादा, एंड उसके बाद एक्चुअल मुश्किलात आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हैं, एंड दैट दोस मुश्किलात आर एक्चुअली द डिप. ये एरिया देख रहे हो, थ्रेशोल्ड यहां पर है इसका, ठीक है, ये वो एरिया है जहां पे आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हो स्केलेबिलिटी लाने में अपने बिजनेस में. और फिर आप ये सोचते हो कि चलो मैंने $200-500 तो कमा लिए इस बिजनेस मॉडल से, यार मैं अब वो $5,000 और $10,000 वाले प्रॉफिटेबिलिटी वाले स्केल, मतलब उसमें स्केलेबिलिटी कैसे लाऊं कि मैं इतना स्कोर करना स्टार्ट करूं, ठीक है. तो ये वो ये एरिया जो होता है ना, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है निकलने का, ये मॉडल टू मॉडल डिफर करता है, बट यूजली आपको इसमें एक महीना भी निकल लग सकता है निकलने में, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, और 10 महीने भी लग सकते हैं इस डिप से निकलने में. लेकिन यूजली ये हर बिजनेस मॉडल का सेम होता है. मैं अगर आप लोग को बोलूं कि ड्रॉप शिपिंग में क्या है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 4 से 6 महीने तो है ही है, लेकिन लग कर, ये नहीं कि पार्ट टाइम सोचा भाई कि थोड़ा थोड़ा बहुत करके चलाऊं. सही है, लग कर, ठीक है. तो वो जो $500-$300 वाला मॉडल है ना, जिसमें आप $300 से $500 कमा ले, वो तो आपका 2 महीने में भी हो जाएगा प्रॉब्लली पूरा, कि यार चलो यार मैं इसको पैसिव लेके चलता हूँ $300 से $500, उसकी स्ट्रेटजीज में बाद में आऊंगा. लेकिन अगर आपको स्केलेबिलिटी मॉडल की तरफ जाने, तो उसका लर्निंग कर्व एटलीस्ट मैं बोलूंगा 5 से 6 महीने 4 महीने आराम से हो सकता है. अब आ जाते हैं इस थ्रेशोल्ड की तरफ. वंस यू आर अप एंड अबव दिस थ्रेशोल्ड, नीचे वाले की तरफ क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अ व्हाइल द रिवॉर्ड वर्सेस एफर्ट इज रिड्यूस्ड. एफर्ट ज्यादा लग रही होगी, रिवॉर्ड कम होगा, ये रिवॉर्ड होगा ही नहीं, ठीक है. रिवॉर्ड सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे होगा. ये जो थ्रेशोल्ड है, जब आप इसको पुश करते हो ना, एंड यू ट्राई टू पुश अबव दिस थ्रेशोल्ड, इफ यू पुश थ्रू इट, इट विल इवेंचुअली बी हाईली रिवॉर्डिंग, ठीक है. तो जस्ट मेक श्योर कि जब आप किसी भी जगह कूदते हो, तो आपको डिप्रेशन और स्ट्रेसफुल बहुत लगेगा वो काम, बिकॉज आपको ये लगेगा कि यार ये इतना रिवॉर्डिंग मुझे क्यों नहीं लग रहा. वो आपको रिवॉर्डिंग इस वजह से नहीं लग रहा होता दोस्तों, क्योंकि आप यू नॉट पुशिंग इनफ थ्रू दैट थ्रेश होल्ड, ताकि आप थ्रेश होल्ड को तोड़ के आप उस रिवॉर्डिंग वाले एरिया में फाइनली कूद जाओ. सही है. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डिप. मैं आप लोग से बोलूंगा, अगर आप लोग वाकई में बहुत लर्नर्स हो, तो आप लोग और बुक रीडर्स हो, तो द डिप के नाम से ये बुक जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप पढ़ो. देयर लॉट ऑफ अदर बुक्स एज वेल, रिच डैड पुअर डैड, दिस दैट एंड, बट ये इस द डिप वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये जरूर पढ़ो, ठीक है. ठीक है, अच्छा, ओके. सो हाउ टू रीप रिजल्ट्स, एक सेकेंड रुकिएगा, जरा मैं जरा कुछ देख लूं. जी, अब आ जाते हैं आगे, द कंपाउंड इफेक्ट. अच्छा, सो द कंपाउंड इफेक्ट से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, ये एक थ्योरी है जो पूरे इसके ऊपर, द कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर बुक भी है, ये भी मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है. लेकिन इसके ऊपर हम ये बात करते हैं, भले आप Amazon FBA PL में हो, आप Amazon FBA होलसेल में हो, आप फ्रीलांसिंग में हो, प्रिंट ऑन डिमांड में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, या ड्रॉप शिपिंग में हो, ठीक है. आप लोग को एक चीज अपने दिमाग में बांध लेनी है, ये वाला फॉर्मूला जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, कंपाउंड इफेक्ट. आई एम श्योर आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते होंगे, सही है, कि आपको रेगुलर बेसिस में या मंथ ऑन मंथ आपको छोटी 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 इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और इवेंचुअली वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है इन ईयर्स टू कम. अलबत्ता उसमें कुछ हराम वाला फैक्टर जरा इन्वॉल्व होता है, बिकॉज उसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है एंड ऑल दैट, तो मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये रियल लाइफ में कैसे आता है, ठीक है.
ये रियल लाइफ में इस तरह इम्प्लीमेंट होता है कि वो जो आपकी एफर्ट्स हैं, जो थोड़ी 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 एफर्ट्स जो आप रेगुलर डाल रहे होते हो, दैट वुड हैव एन एक्सपोनेंशियल इफेक्ट ओवर टाइम, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. और ये होता कैसे, इट्स एज सिंपल एज आपकी चॉइसेस, आपके बिहेवियर्स एंड आपके हैबिट्स, यू हैव टू अमेंड देम. छोटी सी एग्जांपल, लेट्स सपोज समवन इज ओबीस और वो ये बोलता है कि यार आई एम ओबीस एंड आई रियली नीड टू गेट रिड ऑफ माय मतलब सम वेट, ठीक है. एंड वो ये सोचता है चलो ठीक है आई विल क्विट कोक, एंड दैट इज नॉट समथिंग कि जो सिर्फ वाहिद वाहिद ये चीज ऐसी नहीं है जो इम्पैक्टफुल हो, जो उसका वेट गिराने में हेल्प करे. ही हैज टू गो टू द जिम, ही हैज टू लूज कोक, एंड जो भी उसको अपनी डाइट ऐसी रखनी है जिसकी वजह से इट कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट, ठीक है. एंड ये हो गई इसका स्मॉल चॉइसेस. कंसिस्टेंसी, अब प्रोबेबली मैं ये बात बोलूंगा, यहाँ पे तकरीबन 300 लोग बैठे हुए हैं, ये सिचुएशन रिलेटेबल है, बिन देयर डन दैट. यहाँ पे आप लोग में से जरूरी नहीं है कुछ सिर्फ वेट लूज करने के लिए जा रहा हो, कुछ लोग वेट गेन करने के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग कंसिस्टेंट अपने वेट को स्टेबल रखने के लिए भी जाते हैं कि मैं आज जैसा भी हूं वैसा ही रहूं, ठीक है. तो कंसिस्टेंसी इज अनदर इक्वल फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है. तो कंसिस्टेंसी क्या हो गई कि यू मेक श्योर कि आप छोड़ ना दो, या आप ये बोलो इस हफ्ते चला गया, अरे यार नेक्स्ट वीक जो है ना मैं डंडा मार देता हूं, डंडी मार देता हूं मैं, ठीक है. और फिर उसके उसके अगले वीक फिर जाना शुरू करते हो, या फिर दो महीने जाना शुरू करते हो, फिर दो महीने एक महीने का ब्रेक ले लेते हो ये सोच के कि यार शादियों का सीजन है, मैं अभी बिजी चल रहा हूं या मेरे एग्जाम्स आ गए. एंड देन अगेन आप फोर्थ महीने से ऑल योर एफर्ट्स गो डाउन टू वेन, ठीक है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम. एंड नाउ टाइम इज अनदर फैक्टर जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है. टाइम इज, आप इसमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हो और आप चीट नहीं कर रहे हो. आप ये बोलते हो कि सही है मैं स्मॉल चॉइसेस, आई एम मेकिंग द स्मॉल चॉइसेस, मैं कोक क्विट कर रहा हूं, मैं जिम जाऊंगा. आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो कि सही है मैं वीक में 5 बार जाता हूं जिम. आप टाइम में लेकिन यहाँ पे डंडी मार रहे हो. आप क्या कर रहे हो कि आप टाइम दे रहे हो जिम में, लेकिन आप बस 10 मिनट का टाइम देते हो, रनिंग करते हो और आप बोलते हो बस 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 हो गया, सही है. द विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा ग्रैंड कैनियन की. तो ग्रैंड कैनियन यूएस में एक जगह है जहां पे वो पूरा कार्व हुआ है इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल गो एंड विजिट देयर, राइट. ग्रैंड कैनियन अगर आज से 1000 साल पहले देखो ना, तो वो एक बिल्कुल एक प्लेन था, एंड जस्ट वाटर रैन थ्रू द होल ग्रैंड कैनियन, ठीक है. इट इज द वाटर दैट हैड कार्व्ड द होल माउंटेन्स इन दैट शेप ओवर द 1000 ईयर्स. सो वही वाली बात है कि हु कुड हैव थॉट अबाउट के उस पानी की एफर्ट उस ग्रैंड कैनियन के थ्रू इतनी होगी, मतलब सुभान अल्लाह, कि वो 1000 साल के बाद इतना खूबसूरत दिखेगा एंड पीपल विल स्टार्ट विजिटिंग इट एंड ऑल. वही एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ पे देना चाहूंगा कि इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स टुवर्ड्स ड्रॉप शिपिंग और एनी अदर बिजनेस मॉडल, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, यू हैव टू मेक स्मॉल चॉइसेस, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इनफ टाइम इन टू इट सो दैट आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है. सो पर्सनल एग्जाम्पल मैं आपको अपनी बता देता हूँ. लर्निंग टू मेक माई फर्स्ट सेंट थ्रू ऑनलाइन बिजनेस व्हाइल आई वाज 24. Excuse me, यहाँ पे मुझे कोई कॉल कर रहा है, let me hang up quickly. Sorry. So learning to make that first cent through online business since I was 24, I'm 32 right now, ठीक है. मेरे अंदर इस चीज की आग इसलिए बड़ी थी because I lost my parents, I was down to zero, and मैं अकेले रहना शुरू हो गया था. So, मुझे मेरे अंदर एकदम से इस चीज की बहुत ज्यादा हाइप हुई. यू गाइज हैव टू फाइंड योर ओन मोटिवेशनल फैक्टर इन लाइफ, ठीक है, कि क्या चीज आपको पुश करती है, ठीक है. इट कुड बी योर किड्स, इट कुड बी समथिंग एल्स एज वेल, सही है. कंसिस्टेंटली वर्कड अप एट रिगार्डलेस ऑफ ऑल द फेलियर्स, डोंट गिव अप, ठीक है. एंड देन सॉ रिजल्ट्स फ्लोइंग इन एट द एज ऑफ 27 व्हेन आई मेड माय फर्स्ट रुपीज 12,000 रुपीज, जबकि कुछ भी नहीं है, ठीक है, पेज को. एंड वही दो पेजेस मैंने आज से 3 से 4 साल पहले $18,000 के बेचे हैं. मैंने उन पेजेस से तकरीबन $50,000 कमा लिए हैं. ये सिर्फ एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म की मैं आपको अर्निंग दिखा रहा हूँ, जो कि तकरीबन $36,000 की है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, ठीक है. तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि
आई डिड नॉट गिव अप एंड दिस गोज फॉर एवरी वन. आई एम नॉट अ बिग एग्जाम्पल ओवर हेयर. माशाल्लाह सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे जो है वो सनी भाई खुद है. सही है. तो सनी भाई हैज बिलोंग टू मतलब ऑब्वियसली हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम. सो एक चीज मैं पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा, माशाल्लाह यहाँ पे काफी बड़े लोग भी होंगे जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन मुझे मेरे किसी बड़े ने मुझे समझाया था कि कभी भी किसी मुश्किल टाइम से गुजरो तो कोशिश करो अपने से नीचे देखो. तो ये वाला फैक्टर आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा. या तो व्हाट हाउ विल इट वर्क फॉर यू? स्मॉल एक्शंस विल मेक ऑल द डिफरेंस. वॉच वन कोर्स वीडियो ऑन डेली बेसिस. हंट इन ऑल 3 to 4, 6 प्रोडक्ट्स ऑन डेली बेसिस, वॉट एवर सूट्स यू. सेट अप वन फेसबुक एड्स कैंपेन ऑन डेली बेसिस. स्प्लिट टेस्ट करो, देखो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा. एंड द कंपाउंडिंग इफेक्ट विल मेक अ मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल. दैट्स प्रीटी मच इट. सही है. ओके. एंड द वन देयर इज अनदर बुक दैट आई रेड व्हिच इज द वन मेथड एंड थिंग इंपैक्ट. सही है. सो यू नीड टू बी डूइंग फ्यूअर थिंग्स फॉर मोर इफेक्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉट मोर थिंग्स विद साइड इफेक्ट्स. ठीक है. You have to keep that in mind. जो 80-20 वाला rule था वो मैंने आप लोग को समझाया. Keep that in mind. 80-20 में if 20% of the strategy is working for you, you do not have to opt in for the 80% of the strategy that isn't working for you, ताकि आप लोग के काम में scalability आए. Focusing on one thing, scalability and focusing on many things will just bring you diminishing returns. ठीक है. I'm going to skip some of it because मैं वो चीज वैसी आप लोगों को बता दूंगा. ठीक है. Application of the concept. So stop expecting miracle to work. Focus on strategy that works for you. Jumping between methods would just cost you more as research requires most investment. ये दिमाग में आपको अपने बात रखनी है. Research and planning requires most of the investment. So if you are investing, if you have that much amount of money, obviously you can go out and research. विदाउट मतलब मैं रोकने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको स्केलेबिलिटी लानी है तो बेहतर है कि अगर आपको एक टेक्निक काम कर गई है तो रिसर्च के ऊपर आप मंथ ऑन मंथ कुछ एक अमाउंट रखें, बस उससे ज्यादा मत लगाओ. ठीक है. मेक श्योर उससे ज्यादा मत लगाओ, लेकिन जो लगा रहे हो और वो काम कर रही है तो जस्ट स्टिक टू दैट वन थिंग. ठीक है. एंड यू जस्ट कांट बी द जैक ऑफ ऑल एट दिस गेम. ठीक है. या एक मिनट रुकिएगा. Focusing on one product would just let you dominate the niche versus everyone who is spreading their effort across many. So you have to make sure ke jab aap focus la rahe ho apne kaam ki taraf aur aap if you're going all over the place, theek hai, matlab aap ye sochte ho ki nahi yaar main jo hu kya naam hai niche specific bhi karunga aur main journal bhi karunga aur main one product store bhi karunga. That means कि अगर आप niche specific store से आप profitable हो and you are wasting all the profitability on researching on general store and one product store. I would say कि stop doing that as well. ठीक. Yeah. So नहीं actually मैं यही देख रहा था कि I wanted to come on WooCommerce and Shopify कि exactly क्या difference है इसमें. तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द माइंडसेट. मैं अब आप लोग को कुछ चीजें और समझाना चाहूंगा इससे रिलेटेड रिगार्डिंग WooCommerce एंड Shopify बिकॉज आप लोग स्टार्ट करने जा रहे होंगे. ठीक है. एक्सक्यूज मी. या सो थिंग्स यू शुड आस्क योरसेल्फ बिफोर ऑप्टिंग इन फॉर एनी वन ऑफ दीज. WooCommerce मैं क्या WooCommerce की तरफ जाऊं या Shopify की तरफ जाऊं, बिकॉज होगा काम एक ही तरह से. ठीक है. तो विच वन रिक्वायर्स लीस्ट स्टार्टअप मनी. इट्स बेसिकली कौन सा, ये मैं अभी आप लोग को बताऊंगा अपकमिंग स्लाइड्स. विच वन वुड कॉस्ट यू मोस्ट मनी इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है. अगर आप WooCommerce की तरफ जाते हो ऐसी बात है, उसके लिए आपको WordPress लेना पड़ेगा. And that means आपको hosting लेनी पड़ेगी. अगर आप Shopify के साथ जाते हो तो आपको hosting नहीं लेनी पड़ेगी. Shopify अपनी खुद की hosting वगैरह सारी चीजें देता है. Which is cheaper if you plan on opening multiple stores. अगर एक साल one year down the road देखो तो आपको कौन सा platform ज्यादा cheaper पड़ेगा. ये चीज आप लोग को अपने लिहाज से जो है hosting बोल रहा हूँ मैं, not hosting, hosting. Yeah. Sure, जी मुतायर. तो आप लोग को ये देखना है कि आप लोग किस तरफ जा सकते हो और फिर मैं आखिर में आप लोग को बताऊंगा
कि मेरे लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहा है, ठीक है, विच इज इजिएस्ट फॉर बिगिनर्स टू यूज एंड विच हैज द बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्लग इन, ठीक है. तो इन सारी चीजों के बारे में अब हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डाउन विद इट. विच वन रिक्वायर्स द लीस्ट स्टार्टअप मनी? हैंड्स डाउन इट्स शॉपिफाई. तो अगर आप ब्लू होस्ट से, या ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरी चीपर होस्टिंग्स भी आ जाती है, लेकिन मैं जरा सेफ और सबसे पॉपुलर वालों की तरफ जा रहा हूँ. अगर आप होस्टिंग की तरफ जाते हो, शॉपिफाई पे होस्टिंग होती ही नहीं है सिरे से. वर्डप्रेस या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हो, आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, ठीक है. उसके अलावा वो होस्टिंग तकरीबन आपको 70 to 100 dollars, डिपेंडिंग आप कितनी बड़ी होस्टिंग ले रहे हो, दैट वुड डिपेंड ऑन दैट, और फिर आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है. और 29 dollars पर मंथ सब्सक्रिप्शन आपको शॉपिफाई पे पड़ेगी, और 15 dollars पर ईयर जो है आपको डोमेन नेम पड़ेगा शॉपिफाई के से. एक चीज मैं आप लोगों को हेडसअप दे देता हूँ, आज आप लोग सब लोग सुन लो और समझ लो. शॉपिफाई पर अगर आप कोई भी डोमेन खरीदते हो, आज आप सोचते हो कि आप, लेट्स सपोज, एक डोमेन खरीदते हो abc.com, और आप ये बोलते हो ये मेरे शॉप का नाम होगा, और आप जाके उसको शॉपिफाई पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो, शॉपिफाई मना कर देगा, ठीक है. शॉपिफाई आपको नहीं लेने देगा. क्यों? क्योंकि शॉपिफाई ये बोलेगा कि जब तक आपका वो डोमेन एटलीस्ट 2 महीने या 3 महीने पुराना नहीं हो जाता, मैं आपको इस पे इंटीग्रेट नहीं होने दूंगा. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले शॉपिफाई आपको लेने देता था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में, पता नहीं कब ये एग्जैक्टली इंप्लीमेंट हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये चीज हो गई है, ठीक है. उसके अलावा 29 dollars पर मंथ, आई थिंक वैसे अगर देखो तो 29 dollars कोई ऐसी फी नहीं है जो मैं समझता हूँ यहाँ पे किसी के लिए भी मुश्किल होगी, लेकिन वहां पे सब्सक्रिप्शन मॉडल आपको वू कॉमर्स पे नहीं देना पड़ेगा. वो अभी मैं कुछ चीजों के ऊपर और आऊंगा, ठीक है. विच विल कॉस्ट यू द मोस्ट मनी इन द लॉन्ग टर्म? अगर आप 1 year डाउन द रोड देखो तो वू कॉमर्स आपको टोटल 8.33 dollars पर मंथ लग रहा होगा, सही है. क्यों? क्योंकि होस्टिंग आपने ले ली, फॉर एग्जाम्पल आपने होस्टिंग ले ली, आपने नाम ले लिया, कुछ चीजें आपने, कुछ सर्विसेज वगैरह ले ली, तो आपको टोटल 8.33 dollars पर मंथ पड़ना शुरू हो जाएगा ये. लेकिन वही शॉपिफाई पे अगर आप देखोगे, वो पिछला वाला 1 month डाउन द रोड था, तो 29 dollars into 12 months कर दो तो 348 dollars आपको वैसे ही पड़ रहा होगा, ठीक है. तो इस चीज के लिए जो है ना, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 100 dollars बहुत ज्यादा हो गया, 150 dollars पर मंथ पर ईयर पड़ जाएगा आपको. ये आपको तकरीबन जो है 348 dollars पर ईयर पड़ रहा होगा, ठीक है. विच इज द चीपर प्लान, विच इज चीपर इफ यू प्लान ऑन ओपनिंग मल्टीपल स्टोर्स? द गुड थिंग विद वू कॉमर्स इज के यू कैन अटैच ऑफ अ लॉट ऑफ स्टोर्स एट द सेम टाइम, अ लॉट ऑफ डोमेन्स एंड ऑल दैट, ठीक है. तो आपको यहाँ पे वो वाला एक मुश्किल नहीं आ रही होगी, ठीक है. शॉपिफाई पे एक सब्सक्रिप्शन का मतलब एक स्टोर एक डोमेन, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है. तो अगर आपने 2 stores लिए हुए हैं तो 348 into 2 कर लो, 3 लिए हुए तो 348 into 3 कर लो, ठीक है. पर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ये 1 go में आपको पैसे नहीं देने, मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं. आप चाहो तो 29 dollars 3 store, एक स्टोर आपने लिया है और आप उसको 1-2 महीने के बाद बंद कर दो, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके पूरे 348 dollars लगेंगे, वही 29 पर मंथ के लिहाज से लगेंगे. विथ शॉपिफाई यू कैन ओनली मैनेज टू ओपन 1 store विद 29 dollars, या विच इज इजिएस्ट फॉर बिगिनर्स टू यूज एंड इट इज सोली बिल्ड फॉर ई कॉमर्स शॉपिफाई. अगर मैं वू कॉमर्स की बात करता हूँ तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी डिटेल्स पे आ जाता हूँ, ठीक है. काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि वू कॉमर्स बेहतर है, काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि नहीं शॉपिफाई. सो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है और ओपिनियन क्या है, आई वुड से हैंड्स डाउन मेरा ओपिनियन है, और मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ क्यों है ये. शॉपिफाई विल विन ओवर वू कॉमर्स एट एनी गिवन टाइम. मैं ये नहीं कह रहा कि वू कॉमर्स जो है वो जीत नहीं सकता इन फ्यूचर, प्रॉबेबली जीत सकता होगा, लेकिन उसका भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्यों. वॉट वॉज द बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्लग इन ओवरऑल, ठीक है. अब प्लगइन्स की भी बात कर लेते हैं. यहाँ पे आपके पास ओबेल्लू है लेफ्ट पे, और राइट पे आपके पास अली ड्रॉप शिप है. ओबेल्लू बोलता है 50 dollars तक मैं एक पैसा नहीं लूंगा आपसे, ठीक है, आप आराम से अपने 50 products की सेल करो. अली ड्रॉप शिप बोलता है कि मैं आपसे 89 dollars पर ईयर लूंगा, ठीक है. 89 dollars मतलब स्ट्रेट ऑफ, अगर आप स्टार्ट करते हो प्लगइन के साथ तो वो आपसे डायरेक्टली 90 dollars ले लेगा. अब आ जाओ और डिटेल्स के ऊपर.
शॉपिफाई की प्रॉपर कम्युनिटी है जहां पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स और वहां के अपने प्रोफेशनल्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। WooCommerce की कोई प्रॉपर प्रॉपर कम्युनिटी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोला बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन इफ यू इवन गो एंड सर्च फॉर शॉपिफाई कम्युनिटी आपको सामने आ जाएगा WooCommerce फोरम कम्युनिटी, तो कोई एक फिक्स जगह नहीं है जहां पे सारी कम्युनिटी मिलके जो है एक दूसरे की हेल्प कर रही हो, ठीक है। तीसरी बात, शॉपिफाई की कस्टमर एक्सपीरियंस इज हैंड्स डाउन द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस कंपेयर टू WooCommerce। WooCommerce पे मैंने करा है, मेरे दोस्तों ने भी करा है और वो लोग वापस शॉपिफाई पर आए हैं। WooCommerce की बहुत बार अच्छा WooCommerce इटसेल्फ कुछ जगहों पे थोड़ा ग्लिची हो जाता है, शॉपिफाई जो पूरा सोल्यूशन है वो बना ही सिर्फ ई कॉमर्स के लिए है, इट इज नॉट अ प्लग इन, ठीक है। WooCommerce की बात करते हो तो इट इज अ प्लग इन ऑन WordPress, एंड अली ड्रॉपशिप की बात करते हो तो इट इज अ प्लग इन फॉर WooCommerce। सो WordPress पे आप एक प्लग इन इंस्टॉल कर रहे हो फॉर WooCommerce, और WooCommerce के लिए एक प्लग इन इंस्टॉल कर रहे हो ड्रॉपशिपिंग के लिए जिसका नाम है अली ड्रॉपशिप। वेयर एज Shopify itself एक होल सोल लेट अलोन सॉलिड सोल्यूशन है फॉर ई कॉमर्स, और उसके ऊपर से आप एक प्लग इन यूज कर रहे हो फॉर ड्रॉपशिपिंग विच इज नोन एज Oberlo, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, या सो WooCommerce पे आपको यू नीड अ पेमेंट गेटवे प्लगइन एंड यू नीड टू इंस्टॉल इट दैट दिस एंड दैट, वेयर एज Shopify पे जो इंटीग्रेटेड प्लगइन है PayPal और उसके 70 प्लस गेटवेज हैं वो आप इंस्टॉल करो एंड यू कैन स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग राइट अवे। सही है, आपने अपना अकाउंट लगाया वहीं पे आपने स्टार्ट कर दिया, कोई प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए नहीं है इसके लिए, ठीक है। एंड अगर आप लोग कम्युनिटीज पे भी जाके बात करो या देखो अपनी खुद की गूगल रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि नहीं, Shopify इज डेफिनेटली अ बेटर सोल्यूशन कम्पेयर टू WooCommerce, ठीक है। दिस इज वॉट, ये मेरा भी ओपिनियन है, मुझे पता है यहाँ पे काफी लोग जो है वो WooCommerce पे काम कर रहे होंगे, उनका एक्सपीरियंस शायद डिफरेंट होगा, लेकिन मैंने काफी सालों से कर रहा हूँ, मैं अपने कस्टमर्स के लिए भी कर रहा हूँ बहुत सालों से, और मैं उनको शॉप्स भी बना के दे रहा हूँ। अगर आप गोरो से भी पूछोगे जाके तो वो ये बोलेंगे कि नहीं, शॉप आई वॉन्ट टू गो विद Shopify। 80-20 वाला वो है कि मतलब 80% लोग जो है ज्यादातर जाना चाहेंगे फॉर Shopify, ठीक है। हाँ, WooCommerce की एक अच्छी बात जरूर है कि थोड़ा कस्टमाइजेशन, अगर आपके पास कोई टीम है डेफ की तो वो जरा कस्टमाइजेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइल जाके कर सकती है थीम के ऊपर, लेकिन वो आप यहाँ पे भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो या, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द इंट्रोडक्टरी लेसन, ठीक है। आई वॉन्ट ओवरवेलम यू गाइज विद अ लॉट ऑफ अदर नॉलेज एज वेल, ऑब्वियसली नेक्स्ट हमारा जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं टेक्निकलिटीज के ऊपर आऊंगा, एंड वी विल डीप डाइव इन टू प्रोडक्ट रिसर्च, वी विल डीप डाइव इन टू के पूरा प्रोडक्ट स्टोर बनाना कैसा है विद टाइम ऑब्वियसली। एक मिनट अभी रेसेंड करने से पहले, अभी वेट एक सेकेंड, मुझे जरा खोलने दो आप लोग का, या ओके। सो अब हैंड्स रेज हो रहे हैं, I will start taking questions, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा आप लोग जी। So the first one is Sam, मैं Sam से लूंगा और फिर सबसे मैं प्लीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई दो से ज्यादा सवाल ना करे, अगर आपके दो से ज्यादा होंगे तो फिर आई विल ऑटोमेटिकली म्यूट यू एंड गो टू द नेक्स्ट। जस्ट वन सेकेंड, मेरी कॉल आ रही है, मैं जरा मैं एक मैसेज कर दूं। ओके, या सो या सो सैम, मैं अब आपसे सवाल करूंगा तो आई अनम्यूट यू नाउ, एक सेकंड रुकिएगा, अनम्यूट हो नहीं रहा ये फॉर सम रीजन। ओके ओके, जी जी सैम, अब आप सवाल कर सकते हैं। सैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या जी आप बोलिएगा सैम। हेलो हेलो
अच्छा सही है, आई एम गोना म्यूट यू एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हेड ओवर टू द नेक्स्ट वन, ठीक है? आप सैम अपना फिर से हैंड रेस कर लीजिएगा, आई विल कम बैक टू यू। जी शकील, आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम, मैं बिल्कुल सही हूँ। सर अच्छा लगा, पहला 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 एक्सपीरियंस था। मैं भी असल में दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था इसके लिए। दोस्त ऑलरेडी कर रहे हैं, वो शॉपिफाई के थ्रू ही कर रहे हैं और कराची में बैठ के कर रहे हैं। तो मुझे तो था कि मैं पहले दिन मैं देख लूंगा कि शॉपिफाई कैसे इंटीग्रेट होता है या शॉपिफाई कैसे सेटअप होता है। तो मेरे तो एट द एंड पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि पेमेंट्स पेपाल क्योंकि हमारे पास तो है नहीं है, तो आपने ऑल्टरनेट दे दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि नेक्स्ट सेशन में क्या क्या होगा? जिस तरह एडवर्टीजमेंट में बड़ा इशू है, एडवर्टीजमेंट ओके सेटअप करना और स्टोर सेटअप करना, तो ओके नेक्स्ट सेशन में आप बता दें कि क्या 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 हम एक्सपेक्ट करें कि आपसे क्या 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 क्वेश्चन हम हमारे क्लियर हो जाएंगे। बेसिक आपका माइंड सेट क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो जिस तरह आपने क्लियर किया बॉटम से वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, अब मोटिवेटेड भी हैं, तो ये कर लिए, ओके इस बारे में गाइड ओके कर मैं दीजिए। बताता हूँ आपको। अच्छा, सो हियर इज द थिंग, देखिए, सो आई वोंट म्यूट यू राइट नाउ बिकॉज, क्योंकि अभी आपका सवाल का पहले मैं जवाब दे दूं, अगर क्लियर हो तो बता देना, ठीक है? तो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ विथ नेक्स्ट सेशन ही, ओवरऑल पहले बता रहा हूँ मैं आपको। फेसबुक एड्स के साथ मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, आप लोग को एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा मैं फेसबुक एड्स का, और इनशाला आप लोग को मजा आ जाएगा। ये फेसबुक एड्स का जो मैं ब्लूप्रिंट दूंगा, ये ऐसा होगा जिसमें जो आप लोग डिफरेंट वर्टिकल्स में भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ ई कॉमर्स में, ठीक है? इससे रिलेटेड मैं डिटेल में जा रहा हूँ, पूरी शॉप सेटअप से रिलेटेड जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोग को पहले पूरा गो थ्रू और वॉक थ्रू करवाऊंगा शॉपिफाई के पूरे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, बिकॉज मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अपने दिमाग में कि यहाँ पे जो 300 लोग 200 लोग बैठे हुए हैं उनको नहीं पता शॉपिफाई क्या है, ठीक है? तो मैं ये लेके चलूंगा, तो मैं पहले आप लोग को पूरा गो थ्रू करवाऊंगा शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म से। मुझे पता है कि नेक्स्ट सेशन में मैं पूरी मेरी कोशिश होगी कि मैं उबेल्डू पे भी स्टार्ट कर दूं, ठीक है? जब मेरा अगले 1 से 2 सेशंस में ऑल इन ऑल शॉपिफाई के ऊपर पूरा टूर, जहां तक मेरा ख्याल है, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर जब वहां खत्म हो जाऊंगा, फिर उसके साथ साथ ही मैं ओबेल्डू स्टार्ट करूंगा। ओबेल्डू के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे होती है, प्रोडक्ट्स कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें, और फिर पूरे स्टोर से रिलेटेड, अभी तक सिर्फ स्टोर का मॉड्यूल चल रहा है, ठीक है? फिर जो उससे नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा उस पर स्टार्ट करूंगा मैं विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे करते हैं। विनिंग प्रोडक्ट की साइंस डिफरेंट है, आई एम श्योर के अमेजोन की डिफरेंट होगी और शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग की डिफरेंट होगी, उसके ऊपर स्टार्ट स्टार्ट करूंगा मैं आप लोग को। विनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरे पास कोई तकरीबन 8 से 10 मैनुअल तरीके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, वो सारे मैं आप लोग को सिखाऊंगा। फिर वो वाला मॉड्यूल खत्म होगा और फिर उसके बाद फिर मैं आप लोग को फेसबुक एड्स के ऊपर लेके आऊंगा। फेसबुक एड्स का खत्म होगा, फिर मैं आप लोग को गूगल एड्स के ऊपर लेके आऊंगा, गूगल एड्स के थ्रू कैसे सब कुछ करेंगे। गूगल एड्स का खत्म होगा, उसके बाद मैं आप लोग को जो है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को कुछ थोड़े बहुत एसईओ के टिप्स वगैरह दे दूंगा, ये बता दूंगा कि किस तरह आप लोग जो है ना, क्योंकि हमारी अपनी एक स्टोर था जिस पर हम लोग जो है फोकस हमारा उसके ऊपर ये भी होता था कि हम लोग सारी एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शंस रखें ताकि हमारे पास ऑर्गेनिक सेल्स भी आना शुरू हो जाए, ठीक है? बहरहाल वो एक अलग है, प्रॉब्ली मैं उसका मॉड्यूल नहीं करूंगा, लेकिन सेपरेटली मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा, ठीक है? एंड आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट, मैं आप लोग को इन सारी चीजों के थ्रू लेके जाऊंगा और आखिर में प्रॉबेबली बस एक सेशन और कर लूंगा जिसमें मैं कुछ पॉइंटर्स और बता दूंगा आप लोग को कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एक चीज और जो मैं आप लोग को स्टोर्स के ऊपर जो पूरा सिर्फ टूर नहीं होगा वो, उसमें मैं आप लोग को बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बता रहूंगा कि प्रोडक्ट स्टोर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिसमें चलिए सपोज अगर आप लोग ने प्रोडक्ट का पूरी एक प्रोडक्ट की आपने वो बताया हुआ है लुक एंड फील, ठीक है, कि उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी, आप लोग की डिस्क्रिप्शंस किस किस तरह से आनी चाहिए, सोशल प्रूफ कहाँ आना चाहिए, आप लोग के बैजेस लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए सोशल प्रूफ के, सही है? और ये सारी चीजें मैं आप लोग को उस पर बता रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? सर जजाकल्ला, ये तो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
एक और चीज है कि बेसिक पेमेंट की इन्वेस्टमेंट्स की कितनी रेंज होगी, ये सेकंड क्वेश्चन मेरा, कि बेसिक हमें इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड होगी टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग थ्रू अली एक्सप्रेस, क्योंकि एक दोस्त जो है वो में भी कुछ लोग तो वो यूज कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उनका कोई और मेथड यूज हो रहा होगा, तो आप किस वे में लेके जा रहे हैं, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं असल में साथ साथ आप लोग सवाल कुछ लिख भी रहा हूँ, ताकि मैं उसको, अगर मैंने कोई ऐसी जगह है जिस पे मैंने थोड़ा सा जनरलाइज करके बात करी है, तो उसको मैं डिटेल में ले जाऊंगा। एक मिनट रुकिएगा, क्रेडिट कार्ड्स की बात करी आपने, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट की बात करी आपने, और आपने ओके ठीक है, तो आप लोग को ऑब्वियसली एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। एक बात समझ समझ लीजिएगा कि आप लोग आज, आप लोग अगर कोई भी, लेट्स सपोज प्रोडक्ट आप लोग के पास कोई कोई सेल आती है, आप लोग दो तीन चार ऑर्डर्स जब एक क्रेडिट कार्ड से करोगे, तो उसके बाद अली एक्सप्रेस आपका वो क्रेडिट कार्ड रोक देगा थोड़े एक दो दिन के लिए। वो बस वेरीफाई करता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ये चीज तो नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही, उसके बाद फिर वो वापस से एक्टिव कर देगा, और फिर यू कैन मेक एज मेनी सेल्स यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड एज मच एज यू वॉन्ट। ठीक है, एक तो क्रेडिट कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, एक प्री रिक्विजिट क्रेडिट कार्ड है। टू चेकआउट अगर आप इंटीग्रेट कर लेते हो, तो प्रोबेबली आपको बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टू चेकआउट से कोई पेपैल के थ्रू आपके स्टोर पे पेमेंट करना चाह रहा है वो भी आ जाएगी, और अगर कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाह रहा है तो वो भी आ जाएगी। लेकिन आइडियली 90% लोग या 80% लोग जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में जा रहे होते हैं, वो एक पेपैल इंटीग्रेट करते हैं, पेपैल एक्सप्रेस, और दूसरा इंटीग्रेट करते हैं वो स्ट्राइप। ठीक है, स्ट्राइप और पेपैल से रिलेटेड जैन आप लोग को गाइडेंस दे देंगे कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं, मतलब शॉपिफाई से नहीं, मतलब कैसे बनाना है अकाउंट। शॉपिफाई से इंटीग्रेट करना तो कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ जीमेल अकाउंट। ठीक है, और टू चेकआउट से रिलेटेड मैं आप लोग को बता दूंगा, उसके अलावा एक जैन को मैं, वैसे अगर जैन नहीं करेगा इसके ऊपर तो मैं वो भेज दूंगा, लेकिन टू चेकआउट से रिलेटेड मैं आप लोग को पूरी एक आउटलाइन बता दूंगा। 100% वो क्वालिफाई करेगा अगर आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो या ओके, सो आई एम गोइंग टू गो हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। जी एक सेकेंड रुकिएगा, जी जी शोएब, जी शोएब अभी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शोएब बात सलाम, कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैं ऑलरेडी कर रहा था ये शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग, और दिसंबर में मेरी $800 की सेल थी। और अगेन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगेन आप जो शॉपिफाई को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से किस तरह से करते हैं कि ये बेटर है एज कम्पेयर टू वूकॉमर्स, क्योंकि अपना जो है ना ये मतलब उस तरह से बड़ी महंगी एप्स प्रोवाइड कर रहा होता है ऑटो पे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर रही होती है, या हमको खुद ही मेटा देखिए टैग्स और चीजों के अंदर जो है ना मतलब ऑर्गेनिक सेल्स के लिए अपना ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं मेनली कर रहा था गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, फेसबुक की एडवर्टाइजिंग से मैंने काफी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं कोई अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपसे सीखूंगा डेफिनेटली इस कोर्स में, लेकिन गूगल एड्स से मेनली चल रहा था, और अगेन मेरा अनफॉर्चुनेटली गूगल मर्चेंट अकाउंट सस्पेंड हो गया जो है ना एक उनकी गलतफहमी की वजह से, और अपना जो है ना वो मतलब मेरी सेल बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऑर्गेनिक सेल्स के वाले से क्या कहना चाहेंगे, और फेसबुक एड्स की कन्वर्जन, फेसबुक पे मेरी शॉप भी थी बल्कि है अभी भी, तो अगेन अपना उसके वाले से कैसे कहना चाहेंगे। इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, अमेजोन और ईबे और डिफरेंट चैनल से भी इंटीग्रेट कर जाता है शॉपिफाई, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, बट के लिए अपना जो है ना मैंने देखा है कि जो जो स्पीड पेजेस होते हैं, एम्पलीफाइड पेजेस होते हैं, एम्पलीफाइड मोबाइल पेजेस है, मोबाइल एसईओ या अपना जो लोकल एसईओ है, उसके हवाले से क्या कैसे देखते हैं शॉपिफाई को, क्योंकि मैंने देखा है एएमपी पेजेस के हवाले से शॉपिफाई इज नॉट गुड, मतलब इवन मेरी उनकी कस्टमर सपोर्ट से भी बात हुई है, तो एएमपी के वाले से मतलब आप एक ऐप है डेफिनेटली जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो जिससे आपके मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है, और अगर आप गूगल डेवलपर के टूल्स के जरिए से अपने शॉपिफाई स्टोर को जो है ना ऑप्टिमाइज करने के बावजूद भी चेक करते रहो ना, लेकिन मतलब गूगल डेवलपर्स का टूल जो है ना इतना अच्छा आपको मोबाइल
SEO के वाले से, स्पीड के वाले से स्पेसिफिकली रेट नहीं कर रहा था, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्पीड जो है ना, जितनी अच्छी स्पीड आपकी अपना साइट के करने की होगी तो आपको उतना अच्छा होगा। तो स्पीड के अंदर SEO के वाले से कुछ गाइड करें, और जो है ना ओवरऑल SEO या ऑर्गेनिक सेल्स के वाले से गाइड करें, और मेरे ख्याल में ये स्कोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। किसका सॉरी? इस कोर्स का भी मैं कह रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बाय शॉपिफाई, तो जो है ना वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा ओके ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को कुछ। आपने आपके मेन जो तो क्वेश्चन थे ना, एक तो आपका था, बल्कि तीन थे एक तरह से, ठीक है। एक तो आप लोग का आपका था रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब टेम्पलेट्स की रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से था थोड़ा सा आपका। फिर आपका एक था SEO से रिलेटेड था, और एक आपका था फेसबुक एड से रिलेटेड। इज दैट सो? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ओके ठीक है, अब मैं इन दोनों तीनों चीजों के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोग को ये बात बताई वन थिंग वाली ना, वन थिंग दैट वर्क्स बेसिकली, तो मैंने एक टाइम पे शुरू के, जब मैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, जब शुरू के एक दो साल मैंने बहुत पैसा कमाया, और वही पैसा मैंने वापस फूंक दिया रिसर्च में, ये सोच के कि चलो यार मतलब मुझे कोई नई चीज पता चल जाएगी। थोड़ा सा मैंने, मुझे लगता है कि मैंने गलती नहीं करी, रिसर्च जरूरी होती है, लेकिन मुझे रिसर्च का एक बजट रखना चाहिए था, तभी आज मैं आप लोग को बेहतर चीज, सो आई एम अ न्यूली, मतलब आई एम प्रोबेबली मोर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माय ओन सेल्फ, जिसमें मैं आप लोग को अब बेहतर चीजें सजेस्ट करूंगा। देखिए मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊंगा, वो चीजें जो बेहतर आप लोगों को करनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई चीज आप लोग के पास ज्यादा बेहतर काम करती है, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी एंड टेल के नहीं यार ये चीजें और भी कर सकते हो, ऑब्वियसली, मतलब इसमें वो कोई हर्ज नहीं है। मैं बहरहाल बात करता हूँ SEO, FB और रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर। SEO की पहले मैं रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर बात करता हूँ, लोड टाइम वगैरह। शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट तक जो है उसकी लोड टाइम इंप्रूव होता है। Shopify की जितनी ओवरऑल Shopify जो है इज नॉट वेरी वेल नोन फॉर लोड टाइम्स। Shopify लोड टाइम्स के लिए जो है ना ओवरऑल, अगर आप जनरली भी बात करें, अगर आप फाइवर पे जाएं और आप लोगों से SEO वालों से बात करेंगे ना कि मेरी ऑप्टिमाइज कर दो ऑप्टिमाइज कर दो ऑप्टिमाइज कर दो, तो वो GT मैट्रिक्स पे और दूसरी टूल्स को, गूगल के टूल्स को यूज करके जो है ना पहले आपको बताएंगे कि आपका भी लोड टाइम ये देखे मैंने इंप्रूव कर दिया, वो इंप्रूवमेंट कभी भी कुछ भी करने सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक, वो कभी मैट्रिक्स पर वो इसको बहुत ज्यादा हैवी दिखा रहा होता है और अपना उसकी वजह से लोड टाइम बहुत, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी भी वो जो इम्प्रूवमेंट होगा ना वो बहुत ह्यूज सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि Shopify का चक्कर ही कुछ ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली देखे जैसे मैंने बोला हर जगह प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये एक कॉन यहाँ पर है कि Shopify का जो लोड टाइम है वो ह्यूजली इम्प्रूव्ड, किसी ने आज तक इतना ज्यादा देखा नहीं कि बंदा बोले उफ वो मजा ही आ गया, ठीक है। तो वहां पे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इंस्टेड के जो बेंच सबसे लोएस्ट एक हमारे पास एक फिगर अवेलेबल है कि इतना तो होना ही चाहिए Shopify साइट का, उस पे हम सर बेंचमार्क स्पीड, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए रेलेवेंट चीज बोल रहा हूँ कि बेंचमार्क स्पीड तो 3 सेकंड से भी कम है, 2 सेकंड तक एक्चुअली में तो 3 सेकंड से कम है, ये तो गूगल भी बोलता है ना कि मतलब आपकी साइट आइडियली 2 सेकंड 3 सेकंड में पूरी लोड हो जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं 10 सेकंड से आप ऊपर नहीं जाते, मतलब बेहतर नहीं होते। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं अब आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक सेशन कर लूंगा, लेकिन ये थोड़ा लेटर ऑन वाला सेशन होगा क्योंकि मैंने पहले कुछ चीजें बाकी अलाइन करी हुई है, ठीक है। तो मैं SEO, एक सेकंड रुकिएगा, आपने ये बात करी है ना, तो मैं ठीक है इसके ऊपर मैं जितना भी आप लोग को इन्फो दे सकूंगा इसके ऊपर मैं बात कर लूंगा, मैंने अलग से लिख लिया है। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि Shopify itself is not considered a very very good platform अगर आप सिर्फ load time के ऊपर बात करो, वैसे उसके अलावा it is e-commerce oriented और वैसे इसके अंदर सारे वो गुण है जो कि आप बोल सकते हो कि e-commerce के लिए अच्छा रहेगा, सही। Regarding SEO, हाँ मैं इसके ऊपर बात कर लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आप मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टैग्स वगैरह ये सारी चीजें आपने अपनी जगह अलाइन कर ली हैं, आपने जो है ऑब्वियसली SEO की तरफ लोड टाइम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो भी अच्छा कर दिया, रिस्पॉन्सिवनेस मोबाइल ऑप्टिमाइज है कि नहीं है
डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज कितना ज्यादा है, ये सारी चीजें आपने अलाइन कर ली तो गूगल आपको वैसे ही करेगा, थोड़ा फेवर अप देगा उन चीजों पे. लेकिन उसके अलावा एसईओ में जो हमने करी है एसईओ बैक इन आर डेज, और उसके बाद एक दो और प्रोजेक्ट जो मैंने खोले उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये मेरा नहीं है, मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. दिस इज वाई आई एम ब्रोक, सही है. दिस इज बेसिकली अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट जहाँ पे वाओ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, और ये लोग अपनी एसईओ कैसे कर रहे होते हैं कि ये बेसिकली आर्टिकल्स लिखते हैं ऑन देयर प्रोडक्ट, ऑन देयर प्रोडक्ट्स. जैसे कि टॉप 10 गिफ्ट्स फॉर दिस क्रिसमस, टॉप 5 गिफ्ट्स टू गिव समवन ऑन देयर बर्थडे, इस तरह करके. और हम ब्लॉग के साथ लेकर बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को लेकर चल रहे होते हैं. प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन कर लिया आपने, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, फिर आप जो है बेसिकली ब्लॉग भी साथ में लेके चल रहे होगे, जिसमें आप जो है ब्लॉग्स को रैंक करने की तरफ कोशिश करोगे. फिर जो भी उस पे जितनी भी बैक लिंक्स दोगे उस ब्लॉग में, आप अपने प्रोडक्ट्स के दोगे, कोई भी बंदा उन ब्लॉग्स के ऊपर जाके पढ़ेगा और फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट जाके खरीदेगा, तो ऑब्वियसली उसको अथॉरिटी मिलेगी, लिंक जूस मिलेगा, उसकी वजह से आपकी और ज्यादा हाई रैंकिंग बढ़ेगी एंड ऑल दैट. सही है, दैट्स अनदर स्टोरी, उसकी तरफ हम जा सकते हैं, है ना. लेकिन फिलहाल मैं अभी इस बारे में बात कर रहा था. लेकिन अच्छा, वो सर, फिर एक अलग एक और चीज भी साथ में बता दें कि अगर $3 का लेट्स सपोज कॉस्ट का प्रोडक्ट है AliExpress पे, आप $2 की लेट्स सपोज US में शिपिंग है, $5 का हो गया, आपने $5 का कॉस्ट का प्रोडक्ट अपना जो है ना अपने कस्टमर को पहुंचाया, आपने $15 का लेट्स सपोज आप बेच रहे हैं जिसमें $5 कॉस्ट है, $5 आपकी गूगल या फेसबुक एड की कॉस्ट है और $5 आपका प्रॉफिट है. इसी तरह से हम लोग अपना वो कर रहे होंगे, अपना जो 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 अपना प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद जो हम लोगों ने अपना इसका रेवेन्यू कैलकुलेशन वगैरह का जो हिसाब किताब बनाना, या इसके अंदर आपको लगता है कि और भी फैक्टर्स हैं? हम इसी तरह कर रहे होंगे, लेकिन यार यहाँ पे थोड़े दूसरे लोग गुस्सा हो रहे हैं और मैं अब यहाँ पे जरा बंद कर रहा हूँ, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, माधुरत के साथ. सही है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं दो क्वेश्चंस, मैंने फिर भी आपसे वैसा, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन में ही तीन क्वेश्चंस थे तो मैंने वो जवाब दे दिए. प्लीज डू नॉट माइंड, बाकी लोग वेट कर रहे हैं. आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो भले ईसी के थ्रू, जिस तरह भी, आई डोंट नो हाउ एग्जैक्ट द होल प्रोसेस वर्क्स, बिकॉज मैं यहाँ पे आज मेरी फर्स्ट सेशन है, लेकिन मैं एंटरटेन करता रहूंगा आप लोग के सवाल. आई डोंट माइंड, मुझसे सवाल फिर से आप प्रेजेंट कर लीजिएगा, मैं बाद में आपको फिर से वो कर लूंगा. ठीक है, थैंक यू. ओके जी, सफीर, प्लीज कीप इट कंसाइज प्लीज गाइज, आई वुड रियली अप्रिशिएट, बिकॉज बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोग के दूसरे लोग ही सवाल करके हल कर देंगे. जी सफीर जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सफीर. अच्छा मोहिश भाई, मेरे दो क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जैसे आपको पता है कि अमेजोन की आईडी क्रिएशन में यहाँ पे पाकिस्तान से हर्डल्स आते हैं, तो इसी तरह शॉपिफाई के हवाले से क्या हम शॉपिफाई को पाकिस्तान से ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी आईडी यहाँ से इजीली बना सकते हैं? शॉपिफाई की आप इजीली आईडी बना सकते हो, शॉपिफाई को आप पाकिस्तान से बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो. आपको सिर्फ एक टू चेकआउट का अकाउंट अप्रूव कराना है, या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पेपैल और स्ट्राइप अप्रूव करा दो. मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या आप टू चेकआउट की तरफ चले जाओ, या तो आप पेपैल और स्ट्राइप अप्रूव करा दो. इन दोनों में से आपने एक भी करा दिया, यू कैन प्ले अराउंड इन द Shopify market, मतलब भाई drop shipping through AliExpress. अच्छा, ये PayPal और Stripe के हवाले से sessions मेरे ख्याल से आप तो conduct नहीं करेंगे, तो कोई और conduct. ये आज मेरे ख्याल से Zen कर रहे हैं, किसी ने बताया था मुझे. वो तो मेरे ख्याल से Amazon ID creation पे उनका session. नहीं, वो PayPal और Stripe पे भी होगा. अच्छा अच्छा, दूसरा question मेरा ये है कि मोहिश भाई, जब आप drop shipping करते हैं और हम अपने customer को supplier के through जो चीजें drop करवाते हैं, तो सप्लायर के पास जो कार्टन या पैकेज जाता है उस पे सप्लायर की जो ओरिजिनल सप्लायर होता है उसकी डिटेल्स मेंशन होती है, तो जब बायर ये चीजें डिटेल्स वगैरह पढ़ता है तो इससे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, मतलब फ्यूचर? तो मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ. मैं एक्चुअली जो पहला जो शख्स थे जिन्होंने मुझसे सवाल करा था, उनको एक बात बताना भूल गया. मैं यहाँ पे दो तरह की ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ. मैंने AliExpress इसलिए बोला क्योंकि AliExpress इटसेल्फ पॉपुलर है. मैं यहाँ पे एक तो, हाँ, तो जब आपका प्रोडक्ट पहुंचा कस्टमर के पास, तो मैंने भी प्रोडक्ट हम लोग ने यही सोच के मंगवाया था, तो उसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा, आपकी कंपनी का नाम है एबीसी, कंपनी का नाम लिखा हुआ है एक्स वाई जेड. अब वो बोलेगा यार ये क्या सीन है, ठीक है, फिर उसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होगा. तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो ना AliExpress पे, तो AliExpress पे ऑर्डर प्लेस करते वक्त कस्टमर का आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हो कि प्लीज दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, तो मिनिमम इन्फो देना कस्टमर को.
ठीक है, अब ठीक है, एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये कि ज्यादातर कस्टमर्स को भी पता होता है कि बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और प्रोडक्ट मेरे पास इसी तरह आ रहा है, क्योंकि ईबे और अमेजोन पे भी कितने लोग ड्रॉप शिपिंग इसी तरह कर रहे होते हैं, और लोगों को मतलब लेट्स सपोज किसी ने अपने आप को सही से रैंक नहीं करवाया हुआ, वो 10वें नंबर पे आ रहे हैं और ड्रॉप शिपर जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है क्योंकि उसको रैंकिंग के तरीके पता है, सही है? तो वो जब ऑर्डर कर रहा होता है ना, तो मुझे भी पता है जब मैं अमेजोन या मैं कहीं इवन दराज से भी कर रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि यार ये हो सकता है ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, तो लोग जो है ना वो बेवकूफ नहीं होते, उनको पता होता है, लेकिन दे स्टिल देयर मतलब उनका थोड़ा इग्नोरेंट एटीट्यूड होता है इस चीज के, वो बोलते चलो यार रिगार्डलेस मैं पे कर दूंगा इसके, ठीक है? एक किए फिर आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। मैं एक आप लोग को टेक्निक बता रहा हूँ कि जब आप लोग जरा थोड़े हाथ साफ कर लो ड्रॉप शिपिंग पे, पहले आप अली एक्सप्रेस के थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर लो, तो उस पर फिर एक तरीका और आता है जिसमें आप सॉर्ट ऑफ या सॉर्ट ऑफ क्या एग्जैक्टली आप प्राइवेट लेबलिंग पे चले जाओगे और आप ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे होगे। आप एक अली एक्सप्रेस से नहीं पकड़ोगे सप्लायर मेरे बताए भाई, या आप कोई एक सप्लायर ढूंढोगे और आप उससे बोलोगे कि मैं तुम्हें दिन के 10 से 20 या 30 ऑर्डर्स दे रहा हूँ, तो मैं मेरी मर्जी की पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट पहुँचाना है, मेरा ठप्पा लगा हुआ हो कंपनी का या प्रोडक्ट का, और वो वैसे ही पहुंचेगा कस्टमर के पास। अच्छा, ये भी कर सकते हैं आप। तो ये सप्लायर जो आप बता रहे हैं, ये आप लोग की तरफ से मतलब कुछ गाइडेंस वगैरह इसके बारे में मिलेगी? मैं आपको बताऊंगा जी, मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं 2-3 सप्लायर्स बता दूंगा, एक दो सप्लायर्स तो मुझे पता है जो ये काम कर रहे हैं और हम लोग ने भी उसके साथ थोड़ा बहुत काम करा हुआ है, लेकिन उसके अलावा यहाँ तक एक आखिरी मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि आपने कोई प्रोडक्ट देखा, सिर्फ एक प्रोडक्ट देखा और आपने बोला कि यार ये प्रोडक्ट के अंदर जान है, मैं इसका रेप्लिका बनवाता हूँ इसमें से थोड़ी सी कॉपीराइट्स वगैरह हटवा के, ठीक है? आप वो सप्लायर को दोगे, सप्लायर आपको वो बना के भी देगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ठीक है, सही सही है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी बशीर, अस्सलाम वालेकुम मुझ भाई। वालेकुम सलाम मुझ भाई, इसमें मेरा सवाल ये था कि जो हमें पेपाल और स्ट्रिप का जो अकाउंट जो चाहिए, तो वो अकाउंट तो पाकिस्तान से नहीं बन सकते, तो वो लिंक किस तरीके से हम करेंगे और वो जो है ना हम अकाउंट कैसे यूज करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए? आपने कहा कि पेपैल और उसका स्ट्राइप का अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बन सकता, पाकिस्तान से बन सकता है लेकिन उसके तरीके हैं, वो एक आप रेजिडेंट एड्रेस खरीदोगे, फिर वो मॉन्जो का तरीका और ये, और वो कितने ईसी के अपने ग्रुप में बात भी होती है। ये तरीका जो है ना असल में मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे रहा क्योंकि इसका जवाब देंगे आपको जैन, ही इज द एक्सपर्ट ओवर हियर, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन ही इज द मेन एक्सपर्ट, वो आपको आपसे बात ही सिर्फ इस चीज के बारे में कर रहा होगा। आप ये नहीं पूछेगा कि इसको ड्रॉप शिपिंग से कैसे इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वो ऐसी चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया जीमेल पे आप अकाउंट बना रहे हो, आपने सिर्फ अपने लेट्स सपोज आपको पेपैल बन गया आपका, अभी ये छोड़ दे कैसे बनेगा, शॉपिफाई पे जाना है, पेपैल सेलेक्ट करना है एज अ पेमेंट वॉल, वहां पे आप अपनी डिटेल्स डालोगे पेपैल की, इंटीग्रेट हो गया पेपैल। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब सवाल ये आता है पेपैल कैसे बनेगा, वो बताएगा आपको जैन, वो अकाउंट आईडी क्रिएशन भी बताएगा अमेजोन की, और वो आपको ये भी बताएगा कि स्ट्राइप कैसे बनता है और ये भी बताएगा कि पेपैल कैसे बनता है। अगर कोई स्ट्राइप भूल जाए तो आप उससे बोलिएगा प्लीज स्ट्राइप का भी तरीका बता दें, ठीक है? अच्छा अच्छा मुझे भाई एक और क्वेश्चन, अगर लेट से मेरा जो ब्रदर जो है ना वो कनाडा में है, वो जो है ना वहां से पेपैल अकाउंट बना लेता है, तो फिर वो अकाउंट में जो है ना यूज कर सकता हूँ, तो फिर मसला ये होगा कि फिर वहां से जो है ना वो जो मनी विड्रॉल वगैरह के जो इश्यूज आते हैं या टैक्सेस, वो फिर जो है ना सॉरी नहीं वो भी कोई इशू नहीं होगा, क्यों? अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना आप लोग को, ये सारा जैन बताएगा आप लोग को। देखिए असल में आप एक बीच में अपने बैंक अकाउंट जो पाकिस्तान में है और जो बैंक अकाउंट जो आपने पेपैल से इंटीग्रेट करा हुआ है बाहर जो आपका बना हुआ होगा, सही है? उसके बीच इन दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन्वॉल्व होगी, मॉन्जो या ट्रांसफर वाइज टाइप, ठीक है? आप पेपैल से पैसे विड्रॉ करोगे मॉन्जो में और फिर मॉन्जो का डेबिट कार्ड या ट्रांसफर वाइज का डेबिट कार्ड होगा आपके पास, वो जो मैं नहीं बता रहा कि वो कैसे होगा, वही मैं बता रहा हूँ ना जैन बताएगा आपको, सही है? वहाँ वो आपके पास होगा, आप यहाँ से पैसे आराम से विड्रॉ कर पाएंगे ऑल दैट, नहीं तो आप ये सारे तरीके छोड़ दीजिएगा, आप टू चेकआउट की तरफ चले जाए आप लोग बस। अच्छा टू चेकआउट का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, टू चेकआउट क्या है?
टू चेकआउट इज जस्ट लाइक पेपैल एंड ट्रांसफरवाइज. और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ. ये मैं आप लोग को सेशन में बता दूंगा, तो मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे. ओके एक मिनट रुकिएगा. एक्चुअली मुझसे बटन गलत दब गया था. खैर जी काशिफ. हाँ आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम यूजिंग दिस जूम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं गो टू पे सेशंस करता था. खैर जी काशिफ, आपका आप सवाल करें. हेलो, आवाज आ जी जी. एक्चुअली दो काशिफ थे, एक काशिफ हुसैन, इसलिए मैंने चूंकि आपने नाम लिया तो मैं स्टार्ट हो गया हूँ आई गेस. मेरा जी जी, आप ही हैं आप ही हैं. ठीक है, अच्छा मैं थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था आपका. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बेसिकली क्वेश्चन पे अपनी मिसेज के लिए और लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ. जी जी करें. इसके लिए रिक्वायर है ड्रॉप शिपिंग Shopify पे स्टार्ट करने के लिए, और अगर पर आप ऑन द एक वीक में ऑन द एवरेज कितने आवर्स अगर आप इस बिजनेस को दें, कि जो सनी भाई ने टारगेट सेट किया है $300 to $500, वो आप चंद महीने बाद आप कमाना शुरू हो जाए इस टारगेट को अचीव करने, तो कितना मिनिमम बजट के लिए होगा और कितने आवर्स पर डे ऑन द एवरेज एक ऐसे शख्स को जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता देने ही चाहिए ताकि वो इतने पैसे कमा सके. थैंक यू. $300 to $500 के लिए आप सिर्फ दिन में अगर 2.5 घंटे भी देते तो मैं बोलता हूँ सही है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हो और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाह रहे हो, तो फिर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप जो है फिर 4 घंटे दो, 4 to 5 घंटे. ठीक है, और एक और बिल्कुल कंसाइज सेकंड क्वेश्चन, और इसमें कंसिस्टेंसी का भी आपने वो बताया, तो इसमें कंसिस्टेंसी का क्या फैक्टर होगा, विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप 300 to 500 की बात कर रहे हैं या मतलब 6 to 8 months तक आपको करना पड़ेगा, ये थोड़ा बता दे. थैंक यू. कंसिस्टेंसी के लिए जो है आपको कंसिस्टेंसी जो ये वाली है एफर्ट वाली, ये तो आप लोग को डे इन डे आउट चाहिए विदाउट एनी ब्रेक, लेकिन कंसिस्टेंसी इन मनी जो है ये आपकी तब आएगी. जैसे बात है, ये सारा डिपेंड करता है जब आपके पास विनिंग प्रोडक्ट हाथ में आ जाए. उसके लिए आपको बहुत प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा फेंकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा. सही है, जब आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट आ जाएगा तो आपकी स्ट्रेटेजी एकदम यू टर्न मारेगी और आप नए सिरे से उस चीज को लेकर चलना शुरू कर दोगे. एक पूरा नया हो सकता है, नया स्टोर खड़ा करो, हो सकता है ना करो, उसी स्टोर पे आप शुरू कर दो. तो ये सारी चीजें डिफर करेंगी विद टाइम, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा. ठीक है जी, थैंक यू. ओके अच्छा जी, अब मैं पहले सैम से ले रहा हूँ. सॉरी काफी काशिफ हुसैन, मैं आपसे अभी लेता हूँ. असल में सैम सबसे पहले थे या दूसरे नंबर पे थे, इनके माइक का मसला था, तो पहले मैं इनसे ले रहा हूँ. ठीक है जी सैम. आवाज आ रही है मुझे? जी जी बिल्कुल आ रही है. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यह था कि लोग Shopify स्टोर्स पर क्यों आएंगे जब उनको Amazon पे ज्यादा ट्रस्ट है. मींस कि मेरा क्वेश्चन ट्रस्ट रिलेटेड था कि लोग Shopify पे कैसे ट्रस्ट करेंगे हमारे शॉप पे. एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मियां चन्नू के बारे में काफी सुना है रिगार्डिंग ड्रॉप शिपिंग, तो काइंडली अगर आप थोड़ा उसको एलैबोरेट कर दें. और एक छोटा सा और क्वेश्चन था कि कौन सी मार्केट प्लेस को हम हिट करेंगे, आइदर UK, US, यूरोप और किसी भी मार्केट प्लेस को हम हिट कर सकते हैं. अच्छा, तो आपका पहला सवाल ये है कि ट्रस्ट फैक्टर क्यों है, दूसरा मियां चुन्नू से रिलेटेड है जो मुझे नहीं पता क्या है, हमने बोल दिया और आप ये ज़ूम कर रहे हैं कि मुझे पता है क्या है मियां चुन्नू से रिलेटेड, मुझे नहीं पता. एक्चुअली उसको कहा जाता है कि वो ड्रॉप शिपिंग के हब है पाकिस्तान का. अच्छा, पीपल आर अर्निंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग इन मियां चुन्नू. अच्छा ओके, मस्ट बी दैट्स प्रीटी अमेजिंग. But I have no idea about Mia Chunnu. Honestly speaking, मैं आपसे Sunny भाई भी इसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं. वो मैंने भी सुना है कुछ ऐसा सा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस पॉइंट के बारे में. Maybe. ठीक है, मैं अब नेक्स्ट पे आता हूँ. ठीक है, तो मिया चुन्नु वाले पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूँ. अब मैं आ जाता हूँ आपके ट्रस्ट वाले फैक्टर के ऊपर. और दूसरा क्या था आपका सवाल? दूसरा ये था कि हमें किस मार्केट प्लेस को हिट करना चाहिए. ओके, किस मार्केट में हिट करना चाहिए ये. ओके, तो पहले मैं आ जाता हूँ ट्रस्ट वाला.
देखें, पहली चीज तो ये कि मैंने आप लोग को ये बताया था कि ड्रॉप शिपिंग हैज इवॉल्व्ड. ड्रॉप शिपिंग हैज इवॉल्व्ड क्योंकि लोगों का ट्रस्ट टूट रहा था उन प्रोडक्ट्स पे जो वो अपने स्क्रीन पे देखते थे. एक दूसरा, ड्रॉप शिपिंग पे लोगों का ट्रस्ट इस वजह से टूट रहा था क्योंकि सबके स्टोर के लुक एंड फील एक जैसा होता था और वो समझ गए थे कि नहीं, ये तो हमें बिल्कुल ही उल्लू बना रहे और ये $1 का प्रोडक्ट उठा के मुझे कोई $30 में उठा के दे रहा है. वो बेसिकली प्रोडक्ट का लुक एंड फील साइट के ऊपर इतना अच्छा सा लगते थे और वो आता था, वो बोलते थे ये क्या चीज है. समझ रहे हैं मेरी बात? फिर अब जो नई तरह की ड्रॉप शिपिंग आई है, अब दो नए फेजेस स्टार्ट हुए हैं ड्रॉप शिपिंग के. एक तो सॉर्ट ऑफ प्राइवेट लेबल आप बोल सकते हैं और सही है. और दूसरा जो चौथा जो स्टार्ट हुआ है वो है कि जो पूरे स्टोर की लुक एंड फील होती है वो बहुत लेजिट होती है. आप मेहनत इस चीज पे करते हो कि आपके सप्लायर बहुत अच्छे हैं, उनकी हेल्थ जो है, वेंडर रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, वो टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, वो 7 दिन में प्रोडक्ट पहुंचाते हैं और ये सारी चीजें. जब आप ये सारी चीजें फुलफिल कर लोगे तो लोगों का आपका आपके ऊपर भी ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा. कंपैरिजन कोई नहीं है. Amazon इज Amazon एंड देयर इज नो कंपैरिजन. Amazon के आगे कोई कंपैरिजन नहीं आता. ठीक है, हाँ आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो $300 to $500 क्योंकि आपका पर्सनलाइज स्टोर है. आपके स्टोर पे कोई आएगा तो वो आपके स्टोर पे रहेगा ना, आप किसी से कॉम्पीट तो नहीं कर रहे अपने ही स्टोर के ऊपर, आपके ही प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपना स्टोर बेसिकली जो है ना एडवर्टाइज कर रहे होगे. ठीक है, तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दैट. जो चीजें इवॉल्व हुई है, हाँ जी, फॉर द मार्केट प्लेस. फॉर द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस का मैंने क्वेश्चन किया था कि विच मार्केट प्लेस विल बी गुड. ओह आई एम सॉरी, यस, ये दूसरा आपका सवाल था. मैं आजकल ये बोलूंगा कि अगर आप लोग को एंटर होना है तो आप लोग यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में मत एंटर हो फॉरेन से. नहीं, हो सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल हो सकते हो, मैं खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन या तो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हो एक तरीका, और वो तरीके मैं आप लोग को बता दूंगा. अगर एंटर होना है यूएस, यूएस की मार्केट में तो क्या क्या स्टेप्स हैं एग्जैक्टली, आप लोग को क्या क्या किस तरह से अपने आपको एडवर्टाइज करने. अब आ जाए ईयू. ईयू में अपने आप को करना बहुत आसान है कंपेयर टू द इंग्लिश कंट्रीज जो मैंने अभी आप लोग को बताया. मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, बहुत लोग प्रॉफिटेबल है यूएस में, सही है, लेकिन उसका एक तरीके कार है. यू जस्ट कैन गो ऑल आउट, किस बस मैंने सीख लिया बस चलो कोई मसला नहीं. प्रोडक्ट हंटिंग, फिर प्रोडक्ट वैलिडेशन, और वैलिडेशन के बाद उसके बाद क्या क्या चीजें आप लोग को करनी है ताकि आप लोग प्रॉफिटेबल हो. ठीक है, वो मैं आपको फॉर द बिगिनर्स यूरोप मार्केट, यू फॉर बिगिनर्स इट कैन इवन बी यूएस, बट स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा क्या है. ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू. ओके नेक्स्ट, खाइल, KHIAL, आई होप आई एम स्पेलिंग इट राइट. जी जी बिल्कुल ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी खयाल मेरा नाम है, खयाल से. खयाल, ओके सर. मैं वो मेरा क्वेश्चन, खैर अभी एक बंदे ने एक्सप्लेन कर ही दिया, आपने आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसको वो करना चाहता हूँ कि सनी भाई ये ड्रॉप शिपिंग के बहुत खिलाफ थे शुरू में. वो कहते थे कि भैया आप ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल ना करें, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा ये वो, क्योंकि मैं PL के लिए आया था बेसिकली इसमें ग्रुप में, तो वो ये कह रहे थे कि भाई ड्रॉप शिपिंग आप बिल्कुल ना करें, अगर आप Amazon पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आपका PL के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर आपको शुरू से सारी एफर्ट करनी पड़ेगी. तो Shopify तो मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया कि दिस इज टोटली डिफरेंट देन Amazon. ठीक है, आपका अपना स्टोर होता है और आप उसी से वो कर रहे होते हैं, तो आपके अकाउंट सस्पेंड और ये चीजों का वो कम होता है, क्या कहते हैं, रेशो जो है जैसे Amazon पे होता है. क्योंकि eBay पे मैंने अकाउंट खोला था और पाकिस्तान में एक वर्चुअल असिस्टेंट की मैंने हेल्प ली थी कुछ महीने पहले. मैं बेसिकली यूके में रहता हूँ, तो उन्होंने पहले ही फर्स्ट आवर में eBay पे उन्होंने मेरी एक लिस्टिंग एयरपोर्ट्स की वो लगा दी और मुझे ईमेल आया कि भाई योर कंग्रेचुलेशन, योर फर्स्ट लिस्टिंग हैज बीन सक्सेसफुली देयर. और उसके पूरे 2 मिनट के बाद मुझे एक और ईमेल आई कि योर अकाउंट हैज बीन परमानेंटली सस्पेंडेड, क्योंकि उन्होंने किसी की ड्रॉप शिपिंग के उन्होंने की थी जो वर्चुअल असिस्टेंट को मैंने हायर किया था.
तो अभी तक वो अकाउंट ईबे वालों ने दोबारा वो रीलिस्टिंग या मेरी अकाउंट दोबारा वो नहीं की. तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ अभी आ रहा हूं मैं बेसिक क्वेश्चंस पे, जो शॉपिफाई थोड़ा सा अगर आप कंसाइज कर दें क्योंकि वो असल में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं ना. ना 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 बस खत्म कर रहा हूं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये जो शॉपिफाई पे हम अपना ये जो अपनी स्टोर होगी इसका तो लेना देना नहीं होगा अमेज़न के साथ या ईबे के साथ. दैट्स इट. नहीं होगा, नहीं होगा. बस ठीक है सर. बस मैं यही क्योंकि मैं एक अकाउंट मेरा ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है. okay, तो मैं okay, थोड़ा okay. सा मैं समझ गया आपका कंसर्न था कि बेसिकली आप फिर से नहीं चाहते कि अकाउंट्स फिर से बैन हो. okay, बिल्कुल okay, जी क्योंकि मैं पीएल पे काम कर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि अमेज़न पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, आईडी वगैरह सब कुछ है. तो मैं अमेज़न के साथ कोई वो नहीं करना चाहता कि अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सस्पेंड हो जाए. तो इस वजह से मैं ये टोटली डिफरेंट है. तो अभी मुझे समझ आ गई है. थैंक यू वेरी मच. ओके ओके ओके. अच्छा मैं काशिफ हुसैन का सवाल ले रहा हूँ. सॉरी मोहम्मद उस्मान आपका बाद में लूंगा, कि मैंने प्रॉमिस करा था काशिफ को मैं कि उनका ले रहा हूँ. काशिफ हुसैन ओके. यार मैं काशिफ तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ लेकिन तुम हो नहीं रहे फॉर सम रीजन. क्या चक्कर है ये? काशिफ आर यू देयर? चैट में कुछ लिखो. तुम अनम्यूट नहीं हो रहे. क्या चक्कर है ये? एक मिनट रुकिएगा यार, जरा मैं इसको मैनुअली खुद से देखता हूँ कहाँ पर है काशिफ हुसैन. यार आप पता नहीं क्यों मैं किसी और को अनम्यूट कर हो गया. सर मैं सही से अगर अनम्यूट मैंने कर दिया. हाँ कर दिया बस ठीक है चलो. अच्छा सर मेरा सवाल ये था कि ये जो शॉपिफाई की सर्विसेज है मैंने देखा है अपवर्क और फेवर पे भी बहुत सारे लोग ये ऑफर कर रहे होते हैं कि आई कैन सेट अप अ स्टोर ड्रॉप शिपिंग स्टोर. तो क्या ये मैं सवाल था कि क्या ये आपके जो लेक्चर्स वगैरह हम अटेंड कर रहे हैं के बाद अगर अपना हम ना भी करें तो क्या हम कुछ सर्विसेज ऑफर कर सकेंगे, और अगर कर सकेंगे तो वो कितने यानी पैसों से हम कमा सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल है. तुम मुझे थोड़ा सा रिपीट कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज जरा हल्की आ रही है. मैं कुछ शुरू के पार्ट मिस आउट कर गया. सवाल ये है कि ये जो शॉपिफाई का स्टोर हम बनाना अभी सीख रहे हैं आपसे, इसकी मजीद टेक्निकल डिटेल हम आगे चल के सीखेंगे आपसे, तो ये हम ऑफर भी कर सकते हैं इसकी सर्विसेज फेवर पे और अपवर्क वगैरह पे? जैसे मैंने देखा है कि लोग ऑफर कर रहे होते हैं कि आई कैन सेट अप अ स्टोर शॉपिफाई स्टोर और ड्रॉप शिपिंग स्टोर इस तरह से करके, और अगर करते हैं तो हम कितना इसमें कमा सकते हैं? अच्छा मैं ये कहूंगा कि हमारे जो वीएस हैं ईसी में उनको सीख लेना चाहिए. आप उनसे करवा लो ना कि आप फाइवर पे जाके करो. फाइवर पे आप करवा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस जो मैं आप लोग को स्टोर की चीजें बताऊंगा अगर वो इम्प्लीमेंट करवा देते हैं तो फिर ठीक है. सही है, वो ही चीजें आप करवाएं तो फिर फायदा है, वरना पता नहीं. वो पता है फाइवर पे थोड़ा सा चक्कर ये होता है कि लोग कभी कभी एक स्टोर जो आपको किसी और को बना के दिया ना, वही स्टोर उठा के आपको भी बना के दे दिया. नहीं मतलब हम अपना खुद, मतलब जैसे आपसे हम सीखें और हम इस तरह से करें, मतलब हम दूसरों को बना के दें. ओके 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 ओके. तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी जो खुद की गिग्स है फाइवर पे, मैं खुद फाइवर पे जो है बेसिकली ये अगर आप देखें यहाँ पे तो ये रही मेरी फाइंड ड्रॉपशिपिंग विनिंग प्रोडक्ट्स एंड शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर विद विनिंग प्रोडक्ट्स. सही है, तो ये मैं खुद भी यही काम कर रहा हूँ. इसमें अच्छा खासा पैसा है. आप तकरीबन $150 ऑन एन एवरेज आप कमा सकते हो पर स्टोर. तो लिटरली डिफर्स. अगर कोई बिल्कुल बेकार स्टोर बनाना चाह रहा है तो वो आपसे बोल देगा $50 में कर दो, $60 में. लेकिन अगर आप अच्छा सा स्टोर बना के देना चाह रहे हो तो करीब $100 to $150 तो ऑन एन एवरेज आप आराम से सेल कर सकते हो. ठीक है. अच्छा मुझ पे दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने एक वेबसाइट के ऊपर देखा है कि जो बने बनाए शॉपिफाई एस्टैब्लिश स्टोर हैं वो भी बिक रहे होते हैं. तो अगर हम ऐसा कोई स्टोर खरीदते हैं तो हमें कैसे, मतलब वो फिर सप्लाई चेन का समझ आएगी कि प्रोडक्ट कैसे कहाँ से सोर्स हो रही है, कैसे वो उसको भेजा जाता है, किस तरह के एड्स हैं? जैसे अमेज़न फ्लिपेबल अकाउंट होता है, इस तरह से शॉपिफाई पे भी फ्लिपेबल होती है अकाउंट्स वगैरह?
मैं समझा नहीं अब एग्जैक्टली आपका सवाल. सर जैसे एक अमेज़न की लिस्टिंग होती है, वो फ्लिप कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं उसको जब एक दफा एस्टेब्लिश हो जाती है. तो इसी तरीके से मैंने शॉपिफाई स्टोर्स भी देखे हैं जो कि फॉर सेल आए हुए होते हैं. कुछ किसी वेबसाइट पे देखा था, मुझे पता नहीं. हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड, प्रोबेबली आप कर सकते होगे, लेकिन मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता इस बारे में. ठीक है. अच्छा यार, आई विल जस्ट हेड ऑन टू द अदर यूजर्स. ठीक है जी, जी थैंक यू. ओके ओके ठीक. ओके सो नाउ वी विल आसिम अब्दुल्ला. जी हेलो. जी आसिम. अच्छा, मैं असल में ड्रॉप शिपिंग के लिए बिल्कुल नया है मेरे लिए. मैं कस्टमर, क्योंकि मैं खुद मैं एक बायर हूँ, खुद चीजें ऑनलाइन खरीदता हूँ. तो मैं जैसे आपने बताया 25 या 20 या 30 दिन तक कस्टमर को वेट करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, तो कस्टमर इतना इंतजार क्यों करेगा एक ऑर्डर को लाइक खरीदने के लिए? इट्स क्वाइट टू लॉन्ग. देखिए, हमारा काम ये, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ये कि आप ये आउट इन द ओपन अपने स्टोर पे नहीं लिखेंगे कि आपको जो है ना मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो इतने दिन में दे रहा हूँ. ठीक है, पहली चीज मैं वो बात नहीं कर रहा. आप इसको अपनी शिपिंग पॉलिसी में और कितने दिन लगते हैं ये सब कुछ आप मेंशन जरूर करोगे. मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे जैसे आपकी शिपिंग इन्फो है, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये मेंशन कर दो. अब वो कस्टमर की मर्जी वो करे नहीं करे. पहली बात तो ये है कि कस्टमर्स थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं जब उनको ये पता चलता है कि यार ये ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट है और ये 15 से 20 दिन में आ रहा है मेरे पास या 25 दिन में आ रहा है. फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका बहुत होता है. तो इसके लिए तो पहली बात ये कि आप कुछ ऐसे सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हो जो आपकी शिपिंग टाइम कम से कम करके दे, या जैसे कि मैंने अभी एक सप्लायर पकड़ा था तो 7 दिन में यूके पहुंचा रहा था प्रोडक्ट. अली एक्सप्रेस का ही सप्लायर था वो. तो या तो फिर आप कोई सप्लायर ढूंढ लो, या आप सप्लायर से बात कर लो कि मैं तुम्हें बहुत प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ. ठीक है, तो बेहतर ये है कि तुम उनको किसी तरह ई पैकेट के थ्रू जो है जल्दी पहुंचाओ. अगर तुम मुझे ये मुझे दे रहे हो फिजिबिलिटी, तो मैं तुम्हें जो है ना दिन के 10-20 आराम से ऑर्डर दे सकता हूँ. सही है, सही. ठीक. फिर इसमें ये भी होता है कि कुछ प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप बात करते हो जो अली एक्सप्रेस पे नहीं होते, तो वो फिर जल्दी फुलफिलमेंट करके देते हैं. ठीक है, हाँ ये क्लियर हो गया. और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि हम कस्टमर्स को पूरी डिटेल रिवील नहीं करेंगे, तो ये लाइक कस्टमर के साथ ज्यादती नहीं है इन दिस बिजनेस मॉडल? अगर मुझे कोई नहीं बता, आप करेंगे? मुझे नहीं, मुझे अगर कोई नहीं बताएगा. मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आप बताएं नहीं, मैंने आपसे बोला कि आप मेंशन करोगे. लेकिन ये तो स्टूपिडिटी है ना कि अगर आप हर प्रोडक्ट पे जाके वो चीज मेंशन कर रहे हो. देखिए, कस्टमर का भी राइट बनता है कि वो आपकी, देखिए आपको ये शायद पता होगा कि कुछ कंट्रीज हैं जहां पे ये जरूरी होता है, ये रूल होता है कि आप शिपिंग इन्फो, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस आप मेंशन करते हो. देखिए ये जरूरी होता है, तो आप भी मेंशन करोगे. मैं आपको तुम्हारा नहीं कर रहा कि आप मेंशन नहीं करोगे, आप मेंशन करोगे. लेकिन जैसे आप यहाँ पे, मैं आपको एक बात कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल. जी जी, ये आप हर प्रोडक्ट पे जाके मेंशन करो, आई वुडंट रिकमेंड दैट. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बेवकूफ बना रहे हो. अगर आप बेवकूफ बना रहे हो तो आपने ये इतना बड़ा सेक्शन रखा हुआ क्यों है शिपिंग इन्फो का? सही. बस लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, सप्लायर अगर एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और सप्लायर आपको एंड पे कह दे कि अभी मैं नहीं शिप कर सकता या नहीं है अवेलेबल, तो उसके उस टाइम में क्या होगा? क्योंकि हमारे पास तो प्रोडक्ट है नहीं हमारी इन्वेंटरी. देखिए, अगर आपका, अब जैसे कि हमने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 12-30 बिजनेसेस आइडियली, लेकिन इतने भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इट रियली डिपेंड्स कि अगर आपका सप्लायर आपको 7 दिन में बोल रहा है तो आप 7 दिन मेंशन कर दो. अच्छा, आपका दूसरा सवाल क्या था प्लीज, फिर मैं नेक्स्ट की तरफ जा रहा हूं. मेरा ये था कि जिस तरह अमेज़न में हमारे पास इन्वेंटरी होती है या हमारे किसी भी बिजनेस में इन्वेंटरी होती है, इसमें तो नहीं होती. अगर सप्लायर फॉर एनी रीजन आपको कह देता है कि मैं नहीं डिलीवर कर सकता, तो उस केसेस में ठीक है हम रिफंड तो कर देंगे कस्टमर को, लेकिन हम कस्टमर को लूज नहीं करेंगे. Well, इसका तरीका ये है कि या तो आप कस्टमर को रिफंड कर दोगे, या तो एक और तरीका ये होता है कि आप सप्लायर से पहले से बात करके रखते हो कि भाई मैं ये प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ, सही है, इसका तुम्हारे पास है, पीछे सामान है और आप प्रोड्यूस और कर रहे हो, अगर मैं तेजी से वो करूँ तो वो दिमाग से भी मतलब पहले से रेडी हो जाता है. फिर इसका एक तीसरा तरीका भी है, वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा.
वो एक तरीका होता है कि आप पता लगा लेते हो कि सप्लायर कितना एक्टिव है. ठीक है, थैंक यू थैंक यू. बस यही था. ओके वसीम जी. वसीम आपकी आवाज नहीं आ रही. आपको अपनी आवाज आ रही? बहुत हल्की आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा. ये पूछना था कि जो नेक्स्ट सेशन हो रहा है, अगर हम इसका कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आप भी आउटलाइन शेयर कर रहे हैं हमारे पास, तो मैं बताओ कि नेक्स्ट सेशन है इस चीज पे, इस बारे में, इस चीज के. आई थिंक आउटलाइन मैंने ईसी के साथ शेयर करी हुई है. मैंने ईसी के साथ आउटलाइन शेयर करी हुई है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट सेशन जब मेरा स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्ट में मैं अपना आउटलाइन शेयर कर दूंगा. ठीक है, हाँ सही सही. ओके ओके, डन है डन है डन है, मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं. तो बात है, कोई सजेशन है कि अगर वो भी बंदा क्वेश्चन कर रहा होता है, वो 25 सेकंड इसमें चले जाते हैं, रास्ता में हाल चाल में मौसम का, अगर आप थोड़ा सा इसको डिस्करेज कर दें तो डालने के टाइम. सॉरी वसीम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार. मुझे ना बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. चलो ओके गाइस, आई एम मुझे तुम प्लीज अभी मैसेज पे लिख दो, यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ. ठीक है, ओके ओके. हु इज, ठीक है शब्बीर यार, एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, प्लीज थोड़ा सा वो करो क्योंकि कुछ लोगों को नमाज पढ़ने जाना है और सब कुछ. मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी. जी हेलो जी शब्बीर जी, प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए डू वी नीड टू गेट द सैंपल्स, हम सैंपल्स सप्लायर से मंगवाएंगे, वो प्रोडक्ट वैलिडेशन होता है कि? ये प्रोडक्ट वैलिडेशन जो आप बात कर रहे हैं ना, वो ये होता है कि बेसिकली लोग पहले प्रोडक्ट अपने पास मंगवाते चेक करने के लिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ताकि वो एक होता है ना कि प्रोडक्ट पहुंचा दिखाया कुछ और पहुंचा कुछ और, मतलब क्वालिटी वाइज. तो वो तो प्रोडक्ट वैलिडेशन में, प्रोडक्ट वैलिडेशन में भी वो एक तरह से आता है, लेकिन मैं जो प्रोडक्ट वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग करी आपने, आपने 10 प्रोडक्ट्स हंट कर ली. अब उन 10 प्रोडक्ट्स में से कौन सी 3 प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं जिनके साथ आपको जाना चाहिए, और बाकी प्रोडक्ट्स क्यों आप हटा देंगे, उसके रीजंस क्या होंगे इसके पीछे, वो सारी चीजें प्रोडक्ट वैलिडेशन में आएंगी. Right, right. Is there any tool जहां से हमें पता चल सके और कौन से Shopify stores काम कर रहे हैं, या हम उनको देख सके, जिस तरह Amazon में हम JS चला देते हैं, Helium चला देते हैं, हमें पूरा competition सामने आ जाता है. मैं आपको Shopify stores के लिए ऐसा कोई है tool? मैं आप लोग को एक manual और एक दो जो है वो थोड़े से automated third party tools बता रहा हूँ, लेकिन जो manual तरीका है ना उसके through मैं आपके सामने Shopify पे 1,70,000 या 1,80,000 जितने भी स्टोर्स है ना, उस सब आपके सामने आ जाएंगे. और उनकी सेल्स भी हमें पता चल सकती है? सेल्स पता नहीं चल सकती, लेकिन आपको ये पता चल सकता है कि वो अभी उसका सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा है, लास्ट प्रोडक्ट उसने कौन सा ऐड करा है, और उसका अभी उसका स्टोर का ट्रैफिक कितना है. ओके, और अभी सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है उसके पास. ठीक है, और ये टूल्स अब हमें गोइंग फॉरवर्ड इन अदर सेशंस आप हमें बताएंगे. बिल्कुल, परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू. Sorry, मैं आपको म्यूट नहीं कर पाया, and now I have to find you. Okay, जी. मैंने अभी सवाल एक सेकंड, वजाहत जी, वजाहत. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम जी, बिल्कुल सही है. अच्छा, ये मैंने पूछना था कि हमारे पास जो स्केड्यूल आया है पूरा BC 2020 का, इसके अंदर मुझे बताएगा कि Shopify का कितने मंथ्स का पूरा कोर्स है ये? हमारा मेरा वाला ये वाला? जी जी, Shopify का. Well, it really depends, लेकिन मेरा तकरीबन टोटल जो मॉड्यूल्स हैं वो कोई हैं 5 या 7, और उन मॉड्यूल्स को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ. जैसे Facebook एड्स का एक मॉड्यूल है रिगार्डिंग ड्रॉप शिपिंग, फिर एक मॉड्यूल जो है वो सिर्फ शॉप के ऊपर है, और फिर एक मॉड्यूल सिर्फ गूगल एड्स के ऊपर है. आप लोग बोल रहे रिक्वेस्ट कर रहे हैं SEO, तो मैं SEO अब डालूंगा, वैसे था नहीं तो या approximately 3 months. अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे Shopify के अंदर पहले तो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग था, अभी वो PL भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं,
नॉट एग्जैक्टली सॉर्ट ऑफ है लेकिन या सो हाँ आप जा सकते हो उसकी तरफ आप जा सकते हो ठीक मतलब वो वाइबल कितना है उसका मतलब वो वाइबल बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा वाइबल है कितना ही उसको ट्रीट कर सकते हैं मतलब कि वो उसमें इन्वेंटरी हमें लेनी पड़ती है इन्वेंटरी नहीं लेनी पड़ती लेकिन वाइबल बहुत है उसके डिटेल्स मैं आप लोग से बाद में शेयर करूंगा प्लीज वो पार्ट ऑफ द वो है मॉड्यूल प्लीज जी फजल अस्सलाम वालेकुम सर सर क्या हाल चाल है आपके हेलो जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बिगनर एज अ बिगनर जिसका इनिशियल टारगेट 300 टू 500 यूएस डॉलर हो तो उसको स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए देखिए मैं वैसे अगर मैं किसी से भी बात करूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप लोग में से किसी से भी मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं अगर मैं खुद सोचूं कि मुझे स्टार्ट करना है अभी तो मैं बोलूंगा कि $700 का तो आप एक दिमाग में रखें मैं ये नहीं कह रहा कि आप $500 से स्टार्ट नहीं कर सकते आप कर सकते हो इससे कम मैं बोलूंगा मत स्टार्ट करो आइडियली मैं बोलूंगा कि $1500 तो रखो ही रखो दिमाग में लेकिन ऑन एन एवरेज $700 के साथ तो करना चाहिए बेयर मिनिमम $500 बहुत अच्छा अगर आप $1500 to $2000 के साथ स्टार्ट कर रहे हो यानी सर ऑन एवरेज 500 से लेके 1500 यूएस डॉलर तक ये आपके पास होने चाहिए ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए हाँ उसका रीजन है बिकॉज़ प्रोडक्ट टेस्टिंग में थोड़ा बजट लगता है लेकिन वंस यू हैव फाउंड अ विनिंग प्रोडक्ट फिर आप स्केलेबिलिटी की तरफ जाते हो और फिर वहां से आप सेल्स वगैरह करना स्टार्ट करते हो ठीक ठीक है सर बस इतना ही क्वेश्चन था जी अरे एक सेकेंड सॉरी जी फजल सर आई ऑलरेडी ओ आई एम सॉरी जी मिसबा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह पीएल में तो ईसी की तरफ से हमें पूरी एक गाइडेंस मिलती है प्रोडक्ट हंटिंग के बाद अप्रूवल होता है और फिर लॉन्चिंग और रैंकिंग में भी उनकी गाइडेंस होती है तो इस शॉपिफाई को किस तरह ईसी लेके जाएगा कि अगर हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं आफ्टर जब आप हमें प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताते हैं तो उसमें वैलिडेशन हमें कोई मिलेगी कि हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर तो मेरी बात हुई थी सनी भाई से तो अभी जो हम लोग प्रोसेस इसका पूरा स्ट्रक्चर कर रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स आप लोग सेलेक्ट करोगे फिर वो आप लेट सपोज मुझे दोगे फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको ठीक है और मेरे साथ एक दो और लोग होंगे जो प्रोडक्ट वैलिडेशन में हेल्प करेंगे और फिर फाइनली वो सनी भाई और मैं बैठ के प्रोडक्ट को मजीद फाइनलाइज करके फिर आप लोग को देंगे कि इसके साथ आप लोग जा सकते हो ठीक है और यानी कि उसके बाद जो इसकी लॉन्चिंग काइंड ऑफ होगी या इसकी जो रैंकिंग जैसे एड्स चला के आप सेल्स लेके आते हैं तो जिस तरह पीएल में चलता है उस इसमें भी इस तरह हमारी हेल्प होगी मैं पूरी हेल्प करूंगा आप लोग का क्योंकि मेरा काम ये कि मुझे आप लोग को ये गोल अचीव करवाना है ठीक है तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कह रहा हूँ आप सबके लिए ये अगर आप लोग में से किसी को इश्यू हो रहा है तो आप लोग फिर मुझसे पर्सनली बात करोगे बाकायदा कि आप लोग को मसला कहाँ पे आ रहा है ठीक है मैं बैठूंगा आप लोग को एंड थ्रू हेल्प करूंगा ठीक है यानी कि गाइडेड ट्रेनिंग मिलेगी इसमें भी एग्जैक्टली अच्छा दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जितने भी आपने ये एक्सटेंशंस बताई हैं हमें डाउनलोड करने के लिए ये सब फ्री है बिल्कुल फ्री है नाउ आई विल हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज़ वो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं लोग कि प्लीज कीप इट शॉर्ट आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू जी फैजान अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर एक तो काइंडली जो है तो थिंग्स को थोड़ा एलैबोरेट करें क्योंकि हमारा आईटी से बैकग्राउंड नहीं है अक्सर तो लाइक ये एफिलिएट मार्केटिंग है होस्टिंग है ये सारा कुछ जो है मतलब हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज में अच्छा मैं इसका जवाब दूं जी ओके सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग आप लोग इसमें नहीं सीख रहे होगे तो मैं तो वो एक टर्म है जो मैं यूज कर रहा हूँ वो तो मैं अभी आपसे बात करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर लूँ तो यहाँ पे कोई मुझसे बोलेगा सर आपने एआई की बात कर दी ये क्या कर दिया अब मैं उस बारे में बात ही नहीं करूंगा ना मैं ये पढ़ा रहूंगा तो वो तो मैं अगर एक टर्म मेरे मुंह से निकला है तो उसको तो इग्नोर कर दें
सही है. वेयर एज हाँ, अगर जैसे सपोज जो चीजें हैं अभी, लेट्स सपोज मैं एक बात कह रहा हूं, मैं मॉड्यूल्स हैं राइट. अब मैं यहाँ पे बात करी पिक्सल इम्प्लीमेंटेशन. अब आप बोलेंगे सर आपने ये आईटी की, बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल जायज सवाल है, लेकिन इसके ऊपर मैं बात जो करूंगा वो जब मॉड्यूल आएगा तो मैं डिटेल में बात करके आपको समझाऊंगा, है ना. बिकॉज नहीं तो वो सेशन एक फजूल में प्रोलॉन्ग होगा और वो रेपिटेटिव भी होगा कि पहले सेशन में भी मैंने आपको बताया और फिर जब फेसबुक का मॉड्यूल आया तो मैंने फिर आपको बताया. आई होप यू अंडरस्टैंड. फैजान आपने शायद म्यूट कर दिया अपने आपको. यस सर, वो मैंने कहा था कि डिस्टरबेंस ना हो. और सर वो दूसरा ये है कि जैसे इधर होता है कि आप एक कार्ड जो होता है वो सिर्फ एक ही अकाउंट में लगा सकते हैं उधर अमेज़न में, तो आप ऐसा भी है कि वो सेम पेपॉल आप डिफरेंट इधर सिनेरियोज में, डिफरेंट इधर ड्रॉप शिपिंग में आप लगा लें या इधर शॉपिफाई में अटैच कर दें, तो कोई पेपॉल वगैरह इशू तो नहीं करते? मुझे तो पता है जितना नहीं करता, लेकिन हाँ अगर आपका पेपैल वेरीफाइड नहीं है तो फिर एक टाइम पे आके पेपैल ये जरूर बोलता है कि आपकी सेल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, आप थोड़ा अपने बिजनेस को वेरीफाई कर दो. वो फिर एलएलसी वगैरह के चक्कर होते हैं जो कि फिर जो है ना आप ईसी के बाकी मेंबर्स आपकी हेल्प करेंगे, वो मेरा एरिया नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली मैं हेल्प करूंगा, मैं ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं आप लोग को सही बंदे की तरफ रिडायरेक्ट कर दूंगा तो वो आपको मजीद उसमें हेल्प कर देगा. ठीक, ओके. थैंक यू फैजान फॉर कीपिंग इट कंसाइज. जी एम मारुख अलीम जी, आप सवाल कर लें. सलाम वालेकुम. ये मेरा क्वेश्चन था कि ये हम रिटर्न्स को किस तरह हैंडल करेंगे, और दूसरा ये है कि क्या पेपल हमें अलाउ करता है अपनी पॉलिसी में कि हम ड्रॉप शिपिंग करें? बिल्कुल, पेपल अलाउ करता है आप ड्रॉप शिपिंग करो. और रिटर्न्स के बारे में ये सब जवाब है आपको कि जब आपको कोई, लेट्स सपोज कोई डैमेज प्रोडक्ट पहुंचा कस्टमर के पास और कस्टमर ने आपसे शिकायत करी, तो आप उसको दो तरह से हैंडल करोगे रिटर्न्स. पहला कि आप उससे बोलोगे आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको इसके पूरे पूरे पैसे रिफंड कर रहा हूँ. एक तो तरीका ये है, ठीक है. और इसके अलावा हम लोग 2016-17 में जो करते थे उसमें ये होता था कि हम लोग प्रोड्यूसर बोलते थे जिस एड्रेस पे आए उसी एड्रेस पे वापस भेज दो, तो वो भेज भी देते थे और कभी कभी नहीं भी भेजते थे. तो हम उसके फिर दूसरा जो उसका वे राउंड लाए थे, हम ये बोला था कि आप रिफंड करो पूरे पूरे पैसे, ठीक है. उसके अलावा फिर आप उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री उसको एक और प्रोडक्ट भेज दो, बोले कि ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, या आप उसको कोई गिफ्ट कार्ड दे दो या कोई भी चीज दे दो अपने स्टोर से उठा के जो आपको लगता है कि ये डैमेज नहीं पहुंचेगा, और आप बोल दो कि ये कॉम्पनसेशन है और आप पैसे भी रखो एंड वी आर रियली सॉरी. ये तरीका यूजली ड्रॉप शिपिंग में बहुत कॉमन तरीका है इसको हैंडल करने का. लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग ही हम करेंगे या इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी करेंगे? नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करेंगे. जो हम एफिलिएट मार्केटिंग, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग है, वो अलग से लेके चलूंगा मैं आप लोगों को. इस कोर्स में हम सिर्फ ड्रॉप शिपिंग. जी थैंक यू. जी सिकंदर. सलाम अलैकुम. वाले सलाम. जी दो क्वेश्चंस हैं. एक तो ठीक है, वो ऑलरेडी आपने आंसर कर दिया कि अराउंड $700 to $800 वुड बी नीडेड अगर आप अभी अपना शॉपिफाई स्टोर विथ ऑल रिक्वायर्ड प्लगइन्स स्टार्ट करते हो. तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप अदर देन यूएस से किसी और मार्केट में स्टार्ट करते हो तो आपकी सोर्सिंग की क्या स्ट्रेटजी होगी, और क्या वो अली एक्सप्रेस के अलावा और कोई सोर्सिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप क्विकली अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकें? फॉर एग्जांपल मैं इसको चेक कर रहा था, तो मैं जब अली एक्सप्रेस पे यूएस के एड्रेस डालता हूँ शिपिंग का, तो थ्रू ई पैकेट फिर भी मुझे 2 to 3 weeks का टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस मैं अदर मार्केट्स को ट्राई करता हूँ, यूएई को ट्राई करता हूँ, तो वो मुझे 45 to 60 days तक लेके जा रहा है. तो दूसरी मार्केट्स में अगर आप एंटर होते हो तो उसमें फिर आप, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि आप ये जो शिपिंग टाइम है इसको कट डाउन करें, और मे बी अली एक्सप्रेस के अलावा कोई और सोर्सिंग वेबसाइट्स भी आप ढूंढते हो या कोई और भी वायबल ऑप्शंस हैं? ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ. सो हियर्स द थिंग, एक्चुअली हम लोग जो हैं, जब
अच्छा तो मैं आपको एक थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ. पहले हम लोग ने प्रोडक्ट रिसर्च करी, फिर प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट वैलिडेशन करी. हम उन तीन प्रोडक्ट्स को जो है ना सेल करना स्टार्ट करा. उनमें से एक प्रोडक्ट ने जो है ना आपको थोड़ा सा सिम्टम्स दिखाए प्रॉफिटेबिलिटी के, बाकी दोनों प्रोडक्ट्स को आपने ऑफ कर दिया. उस एक प्रोडक्ट को आपने फिर थोड़ा सा और टेस्ट करा एड्स के ऊपर. जब उसको एड्स के ऊपर टेस्ट करा, आपका रिटर्न ओवर एड स्पेंड अच्छा आने लगा, आप प्रॉफिटेबिलिटी में रहे और आपके पास पैसा आना शुरू हो गया. फिर आपने ड्यूरिंग जब वो एड्स चल रहे हैं और लोगों का इश्यू नहीं है आपके शिपिंग टाइम से, ऐसे लोग होते हैं काफी कि 15-20 दिन में है, कोई बात नहीं, चलो हम फिर भी खरीद रहे हैं, और लेकिन उसमें फिर भी काफी बड़ी आवाम कट रही होती है, तो उसमें क्या होगा? फिर आप जाएंगे थर्ड पार्टी कंपनी से बात करेंगे और आप बोलेंगे मुझे ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल चाहिए, इसमें 7 दिन में चाहिए और अपनी मर्जी की पैकेजिंग के साथ चाहिए मेरे लोगों के साथ. तो फिर आप उन कंपनीज को रीच आउट करोगे, वो कुछ टर्म्स होती हैं उसमें जिसपे वो अग्री करते हैं, और उसके बाद फिर आपका प्रोडक्ट फाइनली क्या नाम है, उस आपकी मर्जी के टाइमिंग के लिहाज से, आपकी मर्जी की पैकेजिंग के लिहाज से वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचना शुरू हो जाएगा. फिर वो वाला आप बंद कर दोगे, अली एक्सप्रेस का वो सप्लायर के ऊपर आप एड्स बंद कर दोगे, फिर आप इस तरफ शिफ्ट हो जाओगे. ओके, ये आप मुझे किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बता रहे हैं, मतलब अदर देन यूएस, किसी भी मार्केट में ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकता हूं? जी बिल्कुल. ओके, बट इस क्या इस कॉस्ट में इसमें आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी, शिपिंग कॉस्ट अगर लेट्स से यूएस में तो ई पैकेट थोड़ी सी बढ़ेगी तो... लेकिन आप असल में, मैं ये बहुत लंबा आंसर है इसका, बहुत लंबा आंसर है, बस मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूं आपको म्यूट करके, और फिर सही है, आई होप यू डोंट माइंड, मैं म्यूट करके आपको समझा रहा हूं और नेक्स्ट स्पीकर. ओके श्योर. अच्छा, सो एक्चुअली होता क्या है कि मैं जब जाऊंगा और मैं स्केलेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ ना, तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगी शिपिंग की, बिल्कुल बढ़ेगी, सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ेगी, सही है, बढ़ेगी, प्रोबेबली डबल हो जाएगी, जहां पे मैं $2 दे रहा हूँ $4 हो जाएगी, शायद $5 हो जाए, लेकिन आपकी जो सेल्स है वो इतनी क्रेजी आना शुरू हो जाएंगी कि आप भी हैरान हो जाओगे देखकर. उसके बाद स्काई इज द लिमिट, आप फिर सेल करते ही चले जाओगे, करते ही चले जाओगे, और आप देखते रह जाओगे कि आपके सिर्फ शिपिंग टाइम कम करने की वजह से और थोड़े से उसके एक्स्ट्रा पैसे देने की वजह से आपकी सेल्स कितनी ज्यादा अंदर आना शुरू हो जाएंगी आपके स्टोर पे. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द एक्चुअल आंसर जो, और ये आप नोटिस करोगे जब इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हाथ में लगता है तो. सो या जी शरियार, प्लीज कीप वन क्वेश्चन प्लीज, बाकी लोग भी हैं इस वजह से कह रहा हूँ मैं, मुझे 10 सवालों के जवाब भी देने में मसला नहीं है, मैं आप लोग के 50 सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन बस यहाँ पे दूसरे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम शरियार जी, बस मेरे छोटा सा एक सवाल था कि देखिए मेरा मेन गोल जो है FBA PL है, तो उसके साथ ये हम कर सकते हैं लाइक इफ वी आर टारगेटिंग अराउंड $500 अ मंथ, इज दैट डूएबल और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम? इट इज डूएबल. चलिए बस मेरा यही सवाल, थैंक यू. जैसे जी हमाद, हेलो हमाद, ओके आई एम स्किपिंग टू द नेक्स्ट वन, आई गेस ही इज अवे. जी साकिब, हेलो मैं स्किप कर रहा हूँ और साकिब को मैंने लोअर हैंड कर दिया. साकिब आपको फिर से हैंड रेस करना पड़ेगा, आपका माइक नहीं हो रहा था, आपने खुद म्यूट करा हुआ है. खैर शहजाद आपकी बारी, उसके बाद आयशा, पहले शहजाद. वालेकुम. वालेकुम सलाम. ओके, आई विल कम स्ट्रेट टू द क्वेश्चन. बात यह है कि आई लॉस्ट अबाउट 15-20 मिनट्स बिकॉज़ आई डिडंट नो अबाउट इट. क्वेश्चन ये है कि फॉर न्यू बी लाइक मी और इसमें ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वेयर विल इट स्टार्ट इट? आई मीन यू हैव सेड कि आप पर्सनली भी इसको देखेंगे एंड यू विल पर्सनली हेल्प इट आउट एज वेल, तो हम कहाँ से इसको दोबारा पिक करें? मतलब फॉर मी पीपल लाइक मी हाउ दे विल स्टार्ट इट? आई नो ओनली शॉपिफाई, आई जस्ट हर्ड इट एंड आई जस्ट गॉन थ्रू इट. हम इसको दोबारा कहाँ से दोबारा शुरू करूँ आपके इसको, और कहाँ से पिक करूँ मैं दोबारा? क्योंकि आपने मिस कर दिया था शुरू का सेशन. Exactly, because obviously वो संडे था. I would say के देखे ये थी mainly introductory and mindset session.
तो आप शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज मैं ज्यादातर लोगों को ये समझा रहा था कि लोग फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना बिल्ड करें, ठीक है, और आई गेस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इफ यू लाइक, बट वो वाला सेक्शन और आखिरी का जो शॉपिफाई वर्सेस वूकॉमर्स का सेक्शन है वो जरूर मिस नहीं कीजिएगा. So I can find it on BBC, right? Yeah, I think yes, yes, you can. Yes. Okay. अच्छा अगर इसमें आपसे personally कोई obviously for a newbie everything is new, मतलब वो scratch से start करने वाली बात है. How can we find a personal help from you as well? I mean, if I need for that. मैं I'm at your service at any given time. मैं basically तकरीबन 18 से 20 घंटे रोज काम करता हूँ. Saturday Sundays भी मैं off नहीं लेता. तो how to get in touch with you? मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ईसी का वो एग्जैक्ट तरीका क्या है, लेकिन मुझे आप लोग से बाकी लोग क्या अपने नंबर्स पर्सनल नंबर्स शेयर करते हैं? आई थिंक कोई चैट, आई थिंक या ग्रुप चैट है, आई थिंक वहां पे जो है मैं जैन से कह के अनाउंसमेंट करा दूंगा, मेरा नंबर वो शेयर कर देगा अगर ये अलाउड है. ऑब्वियसली मुझे कोई मसला नहीं है आप लोग मुझसे नंबर, क्योंकि पहले मैं अपने इंस्टीट्यूशंस में नंबर ही देता था, लेकिन मुझे यहाँ का एग्जैक्ट डिकोरम नहीं पता. मैं आज बात कर लूंगा आप लोग से, और वो जो ग्रुप है ना जहाँ पे अनाउंसमेंट होती है वहाँ पे अगर ये अलाउड है तो वहाँ पे मैं अपना नंबर शेयर करवा दूंगा. चलिए जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया. जी आयशा, ओप्स एक सेकेंड, आयशा आपने खुद अपने आप को म्यूट करा हुआ है, क्या आप अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज? हेलो हेलो सर, मेरा अनम्यूट हो गया, मैं साकिब बोल रहा था. नहीं आपका गलत साकिब, ओके आप ओके आप एक सेकंड रुकिएगा, मैं पहले आयशा से ले लूं प्लीज, जस्ट मुझे एक लेने, फिर मैं डायरेक्ट आपके पास आता हूं. जी आयशा जी, सलाम अलैकुम सर. वालेकुम सलाम. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत सारी मेरी कंफ्यूजन्स थी ड्रॉप शिपिंग को लेकर जो आपका सेशन अटेंड करने के बाद काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं. मेरा कुछ हेलो जी 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 मैं सुन रहा हूँ. जी मेरा क्वेश्चन ये था, मैं एक्चुअली वूकॉमर्स पर ड्रॉप शिपिंग का मैंने स्टोर अभी स्टार्ट किया था, इट्स अबाउट 1 month जब मैंने लॉन्च किया है जी. और अभी तक तो कोई सेल्स उसमें नहीं है, लेकिन मुझे उसमें काफी हद तक प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है. क्योंकि आपको पता है डिलीवरी टाइम नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा होता है, तो मैं चाह रही थी कि मैं जो है कोई प्राइवेट सप्लायर हायर करूं या कोई शिपिंग एजेंट मैं ऐसा हायर कर लूं जो मेरे कस्टमर्स को जो है बहुत थोड़े टाइम में उनका प्रोडक्ट पहुंचा सके. ओके अच्छा मैं एक बात कहूं यहाँ पे, असल में ज्यादातर लोग ना, सॉरी मैं आपकी बात का जवाब दूं या अगर आपके पास दूसरा कोई क्वेश्चन है तो आप कर लो वो. ओके मैं जवाब देता हूँ, सॉरी. सो गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग जो है ना, आपकी आवाज शायद हैंग हो रही है. ओके नेवर माइंड, मैं बात का जवाब देता हूँ. गाइज एक बात याद रखना, शिपिंग टाइम इशू वाकई में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है. मैं भी कहीं से मंगवाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि मिनिमलिस्टिक टाइम में आ जाए मेरे पास, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में जब स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो शुरू में शिपिंग के मामले में इतने ज्यादा, सब लोग को बोल रहा हूँ मैं, सारे स्टूडेंट्स को, बहुत ज्यादा मत उलझो शुरू में. देखो हर चीज विद टाइम तुम लोग को सॉल्व करनी है ना. अब मैं तुम लोग को ये स्टोर दिखाता हूँ, इसका शिपिंग टाइम वही है जो अली एक्सप्रेस पे बाकियों का है, और तुम इनका ट्रैफिक देखो, लास्ट महीने का ट्रैफिक 1.1 million है. ये यूनिक नहीं है, रिकरिंग है, लेकिन 1.1 मिलियन कोई ट्रैफिक जनरेट कर रहा हो एक महीने में, तो जरा तुम लोग अंदाजा करो कि वो ऐसे ही तो नहीं कर रहा होगा, सक्सेसफुल होगा तभी कर रहा है. तो इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे स्टोर्स भी हैं रिगार्डलेस ऑफ द शिपिंग टाइम वो सक्सेसफुल हैं. मेरा बस बात बताने का ये था, शिपिंग टाइम इज वेरी वेरी क्रिटिकल. आई एम नॉट सेइंग कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पहले तुम लोग के लिए प्रायोरिटी, तुम लोग को अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि तुम लोग के लिए प्रायोरिटी सबसे पहले क्या है. Let's make few sales first. Few sales आ गए, confidence boost हुआ. Okay, चलो अब next phase. अब मैं जो ना कोई suppliers ऐसे पकड़ता हूँ जो कम time में करे. Okay, कम time हुआ, supplier की वजह से sales और अच्छी हो गई. अब next phase. अब मैं जो ना इसको अपनी मर्जी की packaging के साथ जो है ना इसको ship करवाऊंगा customers के पास. सही है? तो just giving you some examples over here. मैं यहाँ पे सारे students से एक request करूँगा सबसे, कि सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर ड्रॉप शिपिंग की देखनी है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इंस्पायर अपलिफ्ट.
inspire.uplift.com inspire.uplift.com पर चले जाएं. करंटली सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये ड्रॉप शिपिंग की. ये गिफ्ट्स के ऊपर फोकस करता है बंदा और आप लोग पागल हो जाओगे इसकी जो है ना, मतलब सेल्स इसकी ऐसी है कि आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो. ये प्रो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है. 2.47 मिलियन का ट्रैफिक इसने हिट करा है लास्ट मंथ. ठीक है, तो ऐसी आयशा मैं सोचा मैं आपकी बात को लेके मैं आगे एग्जाम्पल दे दूं. जी जी सर. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने अली ड्रॉपशिप वाला प्लग इन जो है वो लिया हुआ है उन लोगों से, तो उसमें आप ये कह रहे थे कि ऑटोमेटेड है, फुली ऑटोमेटेड है. उसमें ये कि जब कस्टमर मेरी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर अली एक्सप्रेस पर प्लेस हो जाता है, राइट? जी. तो सर अगर मैं थर्ड पार्टी सप्लायर यूज करती हूँ, लेट्स से मैं अली एक्सप्रेस का सप्लायर यूज नहीं कर रही, उनकी मैं शिपिंग मेथड यूज नहीं कर रही और थर्ड पार्टी यूज करती हूँ, तो मैं इस ऑटोमेशन को, ऑटोमेशन अनफॉर्चुनेटली कम हो जाएगी. ऑटोमेशन जो है ना वो कम हो जाएगी. आपको वो सारे ऑर्डर्स जो आ रहे हैं आपको उसकी एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी या मेंटेन करनी पड़ेगी, और फिर वो ऑटोमेशन मतलब वो हैसल से बचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा आपने अपने सारे ऑर्डर्स एक शीट पे मेंटेन करे या डाउनलोड कर लिए जो भी, और उसके बाद वो सारी डेटा डाउनलोड करके आपने जो है ना अपने उसको प्रोवाइड कर दिया सप्लायर को, वो फिर शिप करता रहेगा, वो शिप करता रहेगा. उसके लिए आप फिर एक वीए भी रख सकती हैं छोटे से काम के लिए चाहे तो. सही सही, ठीक है सर. बस थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू. मेरे एक क्वेश्चंस थे फॉर नाउ, थैंक यू. ओके. अच्छा सॉरी ऑनर 7C, आपने काम करा इंस्पायर अपलिफ्ट पे? अच्छा, then you have to get in touch with me because I need to know few things ताकि मैं यहाँ पे students की और help कर पाऊँ. Is that okay? Okay. एक मिनट रुकिएगा जरा आप लोग. जी. Okay. Next Arsalan. Sorry, मैं साकिब. जी साकिब. Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. सर मैं एक पूछना था, मैंने सुना है कि अमेजोन के FBA है उसके थ्रू भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जब आप अपनी शिपमेंट करवाते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है वो अमेजोन सिर्फ शिपिंग कॉस्ट लेता है और बाकी जो उनकी परसेंटेज है वो कॉस्ट नहीं लेता. जी जी. तो हम क्या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम PL के साथ काम कर रहे हैं और साथ उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए? आवाज आपकी थोड़ी वो हो रही है, आप शुरू से बता सकते हो? सर FBA जब हम करते हैं अमेजोन पर तो जी? उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप डिलीवरी चार्जेस दें अपने प्रोडक्ट की और उसके थ्रू हम किसी भी स्टोर पर किसी भी क्लाइंट को आप करवा सकते हैं, अपनी शिपिंग करवा सकते हैं. तो अमेजोन सिर्फ शिपिंग की कॉस्ट आपकी कैलकुलेट करेगा और प्रोडक्ट की जो कमीशन होता है 30% 50% वो डिडक्ट नहीं करेगा. क्या ये इंफॉर्मेशन? नहीं, इधर नहीं होगा ये, इधर नहीं होगा ये. और सर सेकंड ये पूछना था कि हम एक जैपनीज ब्रांड के यहाँ फ्रेंचाइज ओनर हैं, तो क्या हम उसकी प्रोडक्ट को शॉपिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो उसकी जो शिप वो हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी भी है और शिपिंग भी हमारे पास है, वो मोर देन हमारे पास 15 डिफरेंट आइटम्स हैं, तो उसकी हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे कि वो हमारे लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट हम शॉपिफाई स्टोर में ऐड करें? आप जो आप कह रहे हैं ना आप वो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये फिर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. प्रोबेबली यू हैव टू गेट इन टच विद मी डायरेक्टली. सही है, जब मैं अपना नंबर या कोई पर्सनल जगह शेयर करवाऊंगा या जो भी चीज है सही है अनाउंस करवाऊंगा, तो फिर आप मुझसे गेट इन टच करिएगा, मैं आपसे इस बारे में डिटेल में बात कर लूंगा. मांगेगा वो एक्सेप्टेबल होगी जैसे Amazon इनवॉइस वगैरह मांगता है ब्रांड की, तो वो हमारे पास मौजूद होंगी तो वो पाकिस्तानी इनवॉइस अवेलेबल होंगी या जापानीज इनवॉइस चाहिए होगी? नहीं, आपको इनवॉइस ये सॉरी आई विल हैव टू टॉक टू यू अबाउट दिस इन पर्सन. सही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. थैंक यू सर. ठीक है, ओके. जी अरसलान आगा. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर, आवाज आ रही है आपको?
सर मेरा क्वेश्चन प्रोडक्ट अप्रूवल से रिलेटेड था कि आपने जिस तरह से बताया कि आप और सनी भाई जो हैं वो अप्रूव कर रहे होंगे फाइनल के कौन से प्रोडक्ट पे काम करना है कौन सी पे नहीं करना, तो वो एक प्रोडक्ट होगी या मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी जो आपकी तरफ से अप्रूव होंगे कि जिन पे काम करना है आगे फर्दर? मैं एक्चुअली आई एम स्टिल इन टॉक्स विद सनी भाई राइट नाउ, तो इस बारे में हम जो है ना डिटेल में अभी बात करके फाइनलाइज करेंगे। उस वक्त तक तो ऑब्वियसली अभी बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कि वो एक निश की मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी या सिंगल प्रोडक्ट होगी ये मैं आपको बता दूंगा। और ये मेरे एक्चुअली मेरे दिमाग में भी आई तो ये आप उसे सेशन करते हुए, तो ये डोंट यू वरी अबाउट इट, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि वो अगर क्योंकि यहां पे शॉर्ट ठीक है, और सिर्फ बाकी मैसेंजर पे शेयर कर दूं क्योंकि चार पांच की लाइन लगी हुई है, बाकी लोगों के भी अगर आपको मैसेंजर पे शेयर कर दूं रिस्पोंड कर देंगे इनका। सॉरी तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। सर मैं कह रहा हूँ और भी क्वेश्चंस हैं, वो क्या मैं मैसेंजर पे अगर पोस्ट कर दूं आपको भेज दूं तो आप वहां पे रिस्पोंड? हां मैं कर दूंगा आई विल डू इट। चलिए ठीक है सर, मैं वहां पे पोस्ट कर रहा हूं, बाकी जो यहां पे बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जी जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मेरे दो सवाल हैं। एक मेरे पास ये है कि मेरे पास पेपल का इंडिविजुअल अकाउंट आ गया है, तो मैं उससे स्टार्ट कर दूं ड्रॉप शिपिंग? आपके पास पेपल का इंडिविजुअल अकाउंट आ गया, बिल्कुल आप उससे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा, प्रेफर्ड कैटेगरीज क्या होती है, मतलब ड्रॉप शिपिंग जैसे अमेज़न के लिए तो हमारे पास प्रेफर्ड है ना कि ये इन चीजों में करना है आपको, फाइंड करने प्रोडक्ट्स, तो इसी तरह ड्रॉप शिपिंग के भी हैं? अनफॉर्चुनेटली नो, ड्रॉप शिपिंग का कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है जहाँ पे आपको जाके करना है, आपको सिर्फ एक विनिंग प्रोडक्ट खरीदना है वो रिगार्डलेस किसी भी कैटेगरी से हो। अच्छा, और इसका वेट वगैरह का कोई इशू होता है कि 500 ग्राम से ज्यादा हो या कम? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। सही है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली हम यूजली ड्रॉप शिप सारे ऐसे प्रोडक्ट्स कर रहे होंगे जो हैंड हेल्ड हो, जो आराम से आप हैंडल कर सकते हो एंड ऑल दैट। ड्रोन्स भी करते हैं लोग, ठीक है, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत बड़े प्रोडक्ट्स मैंने कुछ लोगों को देखा है ड्रॉप शिपिंग कोशिश कर रहे होते हैं कि सोफा सेट्स वगैरह कर रहे होते हैं ऑल दैट, तो आई वुडंट रिकमेंड ऑल दैट अनलेस कि आप बहुत बड़े टिकट पे आप कर रहे हो, लेकिन फिर वो कस्टम्स वगैरह का भी मसला आता है ऑल दैट, तो मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं बोलूंगा हैंड हेल्ड प्रोडक्ट्स या छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम करेंगे ज्यादातर। जी, मैंने कोर्स किया हुआ था इस ड्रॉप शिपिंग के लिए जब एक दो साल पहले, तो वो लोग कह रहे थे कि आप यूएस के सप्लायर्स से करें ताकि आपका टाइम बचे, तो आप दूसरी आपने जो बताया था कि आप उस पे भी फोकस करेंगे वो बाद में बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बाद में करेंगे। सही, उसमें फूड वगैरह इंक्लूड होता है, ग्रोसरी और फ्रूट, फूड पे हम अगर फोकस करें? नहीं, वो नहीं हो सकता। सही, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। जी शब्बीर, आपको मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा, मैं अब अदनान को ले रहा हूँ। जी अदनान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे पूछना था कि हम लोग ये सारी प्रोडक्ट्स नॉर्मली अली एक्सप्रेस से उठा के इधर ड्रॉप शिपिंग अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट पर बना के डाल दें, तो उसमें हम लोग शिपमेंट टाइम भी तकरीबन उतना ही लग रहा है जो अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट परचेज करने में लग रहा है, तो कस्टमर बिहेवियर ये हम लोग अपनी वेबसाइट की तरफ मतलब कैसे शिफ्ट करते हैं कि जी वो डायरेक्ट अली एक्सप्रेस से ही परचेज कर ले, अगर उसने कोई एक आइटम नेकलेस फॉर एग्जांपल परचेज करना है वो अली एक्सप्रेस से देखते हैं कि $2 में और वही सेम नेकलेस मेरी वेबसाइट के ऊपर $15 में मिल रहा है, शिपमेंट टाइम भी उतना ही है, तो व्हाई वुड पीपल प्रेफर दिस मॉडल ऑफ ड्रॉप शिपिंग? मेरी एक जनरल। अच्छा, पहली चीज तो ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो अमेज़न पे मिलेगा नहीं प्रोडक्ट तो वो खरीद ले, क्योंकि ऐसी बात है शिपिंग टाइम उसका तो मिनिमलिस्टिक हो जाएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिल सकता है, देयर इज अ गुड चांस कि वो जो प्रोडक्ट है आपको जो आप बेसिकली वैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग, ये रहा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है, अब आप ये हो सकता है ये आपको दे रहा हो तकरीबन 15-25 वर्किंग डेज में और आपको ये प्रोडक्ट चाहिए 7 दिन में, तो आपने यहाँ से देखा और आपने अमेज़न से कर दिया, बिल्कुल
ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स? नहीं, मैं अमेज़न से नहीं कह रहा, मैं तो अली एक्सप्रेस से कह रहा हूँ, मतलब अली एक्सप्रेस से वो। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि अली एक्सप्रेस से ही कर दें? ओके, नहीं तो कर ले उसको, तो सस्ते में मिल जाएगा उतने ही दिनों, क्योंकि हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझसे काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं। यही सवाल तो एक तरह से हम लोग को कस्टमर से करना चाहिए, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब जैसे मैं आपको अपनी वाइफ के बारे में बताता हूँ, मेरी वाइफ जो है मेरी बच्ची के लिए जो है ना पिक्चर्स देखती है कपड़ों के या कोई भी ऐसी चीजें जो उसको जो है ना अपनी फीड पे नजर आती है न्यूज उसके फेसबुक के, सही है? अब वो ऑर्डर कर देती है, जब मैं घर से घर आता हूँ ना मैं, तो मैं बोलता हूँ और जैसे क्या वो मुझे बताती है कि मैंने ये चीज ऑर्डर कर दी, बहुत अच्छी थी, बहुत क्यूट थी, तो मैं उस प्रोडक्ट को देखते ही बोलता हूँ कि तुम्हें ये ऑर्डर करने की जरूरत क्या थी जब मैं तुमको ये प्रोडक्ट डायरेक्टली अली एक्सप्रेस से हाफ द प्राइस पे दिलवा देता। लेकिन होते हैं लोग ऐसे, क्या कर सकते हैं? ओके, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि जी जिन कस्टमर्स को नॉलेज नहीं है वो हमारी टारगेट मार्केट है एक तरीके से। एग्जैक्टली, असल में एग्जैक्टली, तो ज्यादातर अजीब सी बात है ये, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके नीचे स्टोर पे कोई सामान मिल रहा है, लेट्स सपोज पावर बैंक मिल रहा है और वो मिल रहा है 8,000 का, सही है? अब आपको अभी शिद्दत से जरूरत है क्योंकि आप टूर पे जाने वाले हो, लेकिन वही प्रोडक्ट आपको प्रोबेबली 5,000 का टेक्नो सिटी से मिल जाएगा, वो मार्केट है जहाँ पे होलसेल एंड ऑल होता है, सही है? तो आप नहीं जाओगे और आप यहाँ से खरीद लोगे, जबकि एट द बैक ऑफ द हेड आपको पता होगा कि आप ये कर सकते हो लेकिन आप नहीं करते। ऐसे लोग भी होते हैं, उस कैटेगरी में मैं थोड़ा सा मैं खुद भी आता हूँ कि मुझे पता होगा ना, मेरी वाइफ एट टाइम से बहुत ज्यादा बोलती है। अभी कॉट की बात कर लेता हूँ, बेबी कॉट लेने जा रहे थे तो मेरी वाइफ ने बोला ये पता नहीं कोई गुल प्लाजा है कोई मार्केट है वहां से ले लेते हैं। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, इस हैसल में नहीं पड़ूंगा, मैं डायरेक्टली ऑनलाइन मंगवा रहा हूँ दराज से, आई डू नॉट केयर कि मुझे उसमें 2,000 या 3,000 रुपए भी बचाने पड़े। तो वो एक एटीट्यूड भी होता है एट टाइम्स। बिल्कुल सही है, समझ गया, ठीक है, वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। ओके, आईफोन आप आ जाएं कॉल पे। आपने अपने आप को म्यूट करा हुआ है आईफोन, आप अनम्यूट कर दो तो सवाल कर लो। ओके, भी नहीं कर रहे। आई जस्ट स्टॉर्म, आप थे वैसे, सवाल था आपका, आपको सवाल करने नहीं करना आई गेस। ओके, तो आई गेस वी हैव pretty much done। मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता आईफोन, और शब्बीर ने आपको कर पा रहा हूं मैं। जुनेद तो आप हैंड तो रेस करें। वसीम का एक और सवाल है, मैं कर सवाल ले रहा हूं मैं। जी वसीम, ओहो यार तुम लोग अपने आप को खुद म्यूट कर रहे हो और फिर मैं अनम्यूट नहीं कर पाता। हमाद का सवाल। हेलो जी शबीर जी। ओके, ईमेल मार्केटिंग, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कोल्ड ईमेल मार्केटिंग से लीड्स जनरेट होती हैं शॉपिफाई पे? कोल्ड ईमेल मार्केटिंग से मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि पहले आपका जो टोटल पूरा कस्टमर जर्नी का फनल बना हुआ है उस पे सबसे पहले आप कस्टमर्स को वार्म अप कर दो, जो आपकी साइट पे आके पॉपअप के थ्रू ईमेल छोड़ जाते हैं या जो चेकआउट पे नहीं करते प्रोसीड परचेज के लिए और ईमेल छोड़ जाते हैं उनको। सब्सक्राइबर्स लिस्ट नहीं, जो लाइक यू कैन बाय अ बल्क ऑफ ईमेल्स, नहीं आई मतलब मैं, हाँ चले एक तरीका है, कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं कर सकते। देयर इज अ चांस फॉर देम टू कन्वर्ट, बट ऑब्वियसली वार्म्ड अप लीड्स की चांसेस ज्यादा होते हैं कन्वर्ट होने के। तो आप प्रॉबेबली एक पूरा फनल बना सकते हो जिसमें आप उसको 2-3 बार ईमेल करो डिफरेंट टाइम्स पे। पहली बार आप उसको बिल्कुल कोल्ड ऑडियंस को जाना, आप थोड़ा सा वार्म अप करो ईमेल के थ्रू ही। लेकिन फिर वही बात है कि ईमेल मार्केटिंग में ज्यादातर लोग जो ई कॉमर्स में जो कर रहे हैं ना, मेजोरिटी जो ईमेल मार्केटिंग थ्रू कर रहे हैं वो यही करते हैं कि पहले उनको वार्म अप करते हैं अपने एड्स वगैरह के थ्रू और फिर जाके आप अगर सब्सक्राइबर्स लिस्ट है तो आप उनको ईमेल करते हो। There's a chance कि वो कन्वर्ट करेंगे अगर आपके पास बिल्कुल प्योर कहीं से आपने कोई लिस्ट पकड़ी है या सेम निश की और फिर आप उनको कन्वर्ट करो। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप चेक करेंगे तो सब्सक्राइबर्स लिस्ट आपकी ज्यादा कन्वर्ट करेगी।
एंड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस रिपीट कस्टमर्स कितना होता है इन तरह के शॉप? रिपीट कस्टमर्स बहुत अच्छे आपके पास चलेंगे अगर इफ ओनली आप बिल्कुल थोड़ा सा प्राइवेट लेबल की तरफ चले. प्राइवेट लेबल नहीं बोलूंगा मैं एग्जैक्टली, प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की बात नहीं कर रहा, मैं पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस चीज की तरफ चले जाओ कि आप अपनी प्राइवेट पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट पूरा प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो विदिन 7 days टाइम, फिर तो आप चेक करेंगे कि रिटर्निंग कस्टमर्स के ऊपर आपको कितना फायदा है. ओके मैं वसीम के नाम आईफोन का सवाल ले पा रहा हूँ ना, वसीम का ले पा रहा हूँ, हमाद का ले पा रहा हूँ. हमाद जी सवाल करें. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. ये जो ब्रांड नी चीज होती है छोटी मिनी ब्रांड नी चीज, इनका क्या सीन होता है ये शॉपिफाई पे, इस पे ड्रॉप शिपिंग पे? आई थिंक इसका बड़ा अच्छा सीन होता है, जो ब्रांड होते हैं प्रॉपर आप उनके पूरे पूरे निश स्पेसिफिक स्टोर्स बना सकते हो, उनके अराउंड एक स्टोर खोल सकते हो एंड स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स. ठीक है, उनके लिए हमें ऐसे भी करनी होती है? आप कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो. तो वो आपने एसईओ के मैंने सिखानी है फिर? बिल्कुल सिखाऊंगा, इंशाल्लाह सिखाऊंगा. और सर आप किधर, कहां के रहने वाले, लाहौर से हैं या कहीं और सिटी से? मैं कराची से हूं. ठीक है, ओके, बस यही पूछना था. थैंक यू. ओके, नो प्रॉब्लम. जी वसीम सवाल. जी मुझे पहले आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज, लेकिन थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है. तो मुझे ये पूछना था कि ये जो 700 to 1500 हमने आईडिया था, अच्छा सा फिगर सोच के बैठे हैं कि इन्वेस्टमेंट ये होगी हमारी, इसका कोई ब्रेकअप भी है कि आपको किस जगह कितने पैसे लगाने और सेल्स एक्सपेक्टेशन करने? आपके साथ कम्युनिकेशन किस तरह से होगी हमारी, लाइक हम किसी ग्रुप में आपसे बात करें, क्योंकि अभी तक हम किसी ग्रुप में ऐड नहीं है ना बीसी के ना किसी और के, तो आपसे हमारी कम्युनिकेशन किस तरह से होगी? लाइक मेरे जहन में कोई क्वेश्चन आता है, मैं स्ट्रेट अवे आपको मैसेंजर पे मैसेज करूंगा, किस तरह से करूंगा, हमारा को फेसबुक मुझे पता नहीं है कि देखे, क्योंकि मैं खुद बताया मैं नया हूँ यहाँ पे, मुझे खुद एक बार पूछना है अपने जो साथ के कोलीग्स हैं इन ईसी के क्या तरीकेकार है. मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन अभी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाऊंगा. मैं 2 दिन दे आप मुझे, मैं आपको ये पूरा तरीकेकार बता दूं. सर आप 1 वीक ले, कोई इशू नहीं, सिर्फ वो चीजें पता चल जाए फिर. नहीं नहीं, मुझे पता है आपकी, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, लेजिट है. मैं एक चीज में यहाँ पे ऐड करता हूँ बाकी सबके फायदे के लिए. अभी एक क्वेश्चन हुआ था ऑर्डर्स को ऑटोमेट करने के लिए, तो इन्वेंटरी सोर्स या इस तरह के जो सप्लायर हैं वो ऑर्डर्स आपके ऑटोमेट ले जाते हैं, मतलब आपको फिर उसमें एक्सेल की शीट्स और मेंटेनेंस नहीं करना पड़ती, वो फीड्स भी आपके उसी तरह से सप्लायर के साथ चल रहे होते हैं. अगर आप जी मैंने कहा मैं जरा शेयर कर दूं आप मेरा कर देते. हां ओके. जी हफीज. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, ईबे और अमेज़न में जो कर रहे हैं ड्रॉप शिपर्स, वो किससे होता है? ये डिफरेंट टॉपिक है, नहीं होता आपको करो. ये एक लंबा, इस सवाल का जवाब भी लंबा है. मैं असल में अगर आप लोगों को बताने बैठूंगा कि ईबे पर ड्रॉप शिपिंग कैसे हो रही है और अमेज़न पे आजकल तो थोड़ी रिस्की है, लेकिन ईबे पर ड्रॉप शिपिंग कैसे हो रही है वो भी अच्छी है, ये वाली ड्रॉप शिपिंग भी अच्छी है, ईबे वाली का अपना मजे है, इसके अपने तरीके हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है जिसपे मैं अगर आऊंगा तो फिर हमें बच जाता है वो जो हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही वो कस्टमर होते हैं हमारे. जी हाँ, तो व्हाई नॉट ईबे, व्हाई ये? नहीं बिल्कुल आप ईबे की तरफ जा सकते हो.
मैं ये नहीं कह रहा कि ईबे की तरफ नहीं जा सकते, आप ईबे के साथ जा सकते हो, लेकिन देन अगेन वो एक सेपरेट टॉपिक है. बेहतर ये है कि आप इस पे जो है ना रजी से बात कर लें, बिकॉज रजी इज हैंडलिंग ड्रॉप शिपिंग थ्रू ईबे. अच्छा जी, चलो सही है. तो रजी साहब को कैसे ढूंढेंगे? वो तो उनकी क्लासेस हो रही है और उनकी बीबीसी अच्छा। में भी क्लासेस है तो हाँ, मैं उसमें हूँ नहीं, मैं हूँ इसमें वन टू वन का स्टूडेंट हूँ. ओके ओके, आप रजी से कांटेक्ट कर सकते हैं. आप इजी की टीम से जो है ना वो जाए या ग्रुप पे जो है ना आप मैसेज छोड़े तो रजी जो है ना आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा. चलो ठीक ठीक ठीक, ओके थैंक यू. जी अथर. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम सर, मैं पूछना चाह रहा था ऑटोमेशन के अंदर डिस्प्यूट्स कैसे हैंडल होंगे? जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो ज्यादातर आपके पास ईमेल के थ्रू आएंगे या पेपैल के डिस्प्यूट्स होंगे कि अभी तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा ये वो करके वो लोग फाइल करेंगे डिस्प्यूट, वो आप देर एंड देन वहीं पे सॉल्व करेंगे. पेपैल एट हम लोग ने जितने भी डिस्प्यूट्स जो पेपैल के थ्रू आते थे वो हम लोग ने ईमेल के थ्रू सॉल्व करे, वो हो गए, कोई मसला नहीं हुआ. ज्यादातर डिस्प्यूट्स ऐसे ईमेल के थ्रू ही सॉल्व हो रहे होंगे. ओके, मतलब हमें मैन्युअली हैंडल करने होंगे डिस्प्यूट्स? हां, डिस्प्यूट्स आपको लोग आपको नहीं, ऑटोमेशन नहीं आ सकती इसमें. डिस्प्यूट्स आप लोग को मैनुअली हैंडल करने पड़ेंगे, या तो जाके रिफंड करना पड़ेगा या तो फिर बंदे का प्रोडक्ट जल्दी पहुंचाना पड़ेगा उस तक. यूजुअली यही दो तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं यूजुअली. अक्सर मैं भी अभी एक्सपेक्ट से शॉपिंग करता रहता हूं, अक्सर क्या होता है कि परचेस प्रोटेक्शन एक्सटेंड हो जाती है, मतलब आगे से जो सप्लायर होता है वो कर देता है, एक्सटेंड कर देता है. जी, तो उस केस में क्या ये भी ऑटोमेट है या ये भी मैनुअल होगा? सॉरी, परचेज प्रोटेक्शन जो एक्सटेंड होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने डिस्प्यूट ओपन की, सप्लायर आगे से परचेज प्रोटेक्शन ऑन कर देता है, मुझे मैसेज करता है कि मैं परचेज प्रोटेक्शन एक्सटेंड कर रहा हूँ. तो इस चीज का मैं पूछना चाहता था कि परचेज प्रोटेक्शन भी है इस चीज के अंदर और वो ऑटोमेटिकली परचेज प्रोटेक्शन है? परचेज प्रोटेक्शन है कस्टमर्स को, आप कोई भी मतलब मुझे नहीं पता, मैंने इस तरह का अल्लाह का शुक्र कोई काम करा भी नहीं है, लेकिन कोई धोखा नहीं दे सकता मैं खास से कस्टमर को इस पूरी सिस्टम में. देना चाहे तो शायद प्रोबेबली लोग दे भी दें, लेकिन परचेज प्रोटेक्शन होता है और पेपैल बीच में इन्वॉल्व होता है, तो पेपैल इतने आराम से जो है ना हाँ फ्रॉड होने नहीं देता. थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. ओके जी मतलब हम इसको इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं स्टोर को, ये हमें कोई वीएस वगैरह अपने पड़ते हैं जो इसको आप चाहे तो वीए हायर कर ले. मैं खुद अभी एक स्टोर का वीए एज इन मैं तो हेल्प कर रहा हूं. दिस गाय मार्क जो अभी मुझे कॉल करा था आपसे, आई एम सो हाइप जिसने अभी ये मैसेज करा हुआ है, तो मैं इसके लिए बहुत अरसे से इसी से पहले से काम कर रहा हूं. ही इज पेइंग मी रियली हेल्दी रेट्स. तो इसका पूरा स्टोर मैंने बनाया है, ड्रॉप शिपिंग इसके एड्स भी मैं चला रहा होता हूं, सब कुछ मैं कर रहा होता हूं. तो मैं इससे तकरीबन कोई $900 चार्ज कर रहा हूँ मंथ के. तो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू गाइस, अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग या कर सकते हो या करवा सकते हो, नहीं तो सस्ते भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं वीएस आपके $250 वाली भी हो सकते हैं, $150 वाली भी हो सकते हैं, $350 वाली भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप काम क्या करवा रहे हो उनसे. दूसरा सर, जैसे एफबीए का मॉडल ऑटोमेशन पे वो खुद ही वर्क करता है, तो ये इसमें कितनी ऑटोमेशन है इस मॉडल में? आप बिल्कुल करवा सकते हो ऑटोमेशन से रिलेटेड. आपका वीए से भी है थोड़ा सा कि वीए से भी आप को आपने काम सिखा दिया करवा दिया, वो काम अपने आप हो रहा है बैक एंड पे सब कुछ. ठीक है, मतलब हम वीए के थ्रू इस पर्चेस से मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. जी तलाल. अच्छा मुझे ये बताएं कि शॉपिफाई पार्टनरशिप जो प्रोग्राम है
क्या हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे? Shopify पार्टनरशिप प्रोग्राम, Shopify पार्टनरशिप प्रोग्राम आप कर सकते हैं. आई थिंक Shopify पार्टनरशिप प्रोग्राम, अनफॉर्चुनेटली आई वोंट लाई टू यू, मैंने कभी खुद से एक्सप्लोर नहीं करा, लेकिन काफी लोग मेरे पास आए हैं पूछने के लिए, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इस एरिया में भी रिसर्च कर लूंगा. प्लीज करके बता दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोगों को एज अ वीए भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या अपने पास थीम्स वगैरह डेवलप करनी है, तो उसके लिए आई गेस ये बहुत यूजफुल होगा. ओके, मैंने लिख लिया अपने पास, मैं इसके ऊपर रिसर्च करके आप लोग को इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि पहले मैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चल रहूंगा, लेकिन कवर जरूर कर लूंगा. ओके देन, ओके ओके गाइस, आई एम गोना रैप दिस अप नाउ. ठीक है, आप सबसे बात करके मेरा पहला सेशन ओके बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह ताला इन टच रहेंगे. मैं आप जो जो करना चाहते हैं इसको बाकायदगी से मैं उनकी हेल्प करूंगा दिल से, और इंशाल्लाह लाइक मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग अपनी फैमिली की तरह लेके चलूँ और आप लोग को जितना हेल्प कर सकता हूँ अपने एंड से वो मैं करूँ. ठीक है, आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.